बेटा संपत। बात क्या आंटी, बहुत सुबह सुबह उठ गई, गुड मॉर्निंग बोलने आई हो क्या? नहीं। तो क्या कॉफी चाहिए? अरे वो सब नहीं चाहिए, कैसे हो तुम? फिलहाल तो मैं लुंगी पहना हूँ, कुछ देर और रुकी तो वो भी उतार कर बाथरूम में रहूंगा। यू नॉटी, तुम्हें ऐसे देखती रही तो। अरे बाप रे, लगता है आज नहीं बचूंगा, इज्जत गई मेरी। रात को मेरे पति ने ही कहा तुमसे बात करने के लिए। अरे बेशरम, उसने तो सिर्फ बात करने के लिए कहा, तो तू मेरा कैरेक्टर खराब करेगी क्या? मैं ऐसा नहीं हूँ। हे भगवान, अपने लिए नहीं अपनी लड़की की शादी तुमसे करवाना है। तुम्हारी बेटी से? हाँ। अरे वो तो ऑलरेडी 8 विकेट गिरा चुकी है, लगभग सबके बाइक पे बैठ के पूरा पार्क घूम चुकी है वो। छी, हमारी बेटी आग है। वही आग कहीं घर को ना लग जाए। दिन भर घर पे बैठ के टीवी सीरियल देखती रहती हो, आजू बाजू वालों से फालतू बात करती हो। जवान लड़की घर से निकलकर नेट पर बैठती है कि सांप के बिल में जा रही है, कौन ध्यान देगा? बॉस, तू रोज रोज डाबरमैन कुत्ते की तरह इसके पीछे दौड़ता है, कभी भौंकेगा भी? मैं भौंकूंगा, अगर आज आई लव यू नहीं बोल पाया तो गुंडे किडनैप कर लेंगे। इसे तो किडनैप करवाएगा। अरे तू नहीं समझेगा, चला। क्या रे, वो साला जॉगिंग करने इसी पार्क में आता है ना? वो जॉगिंग करने नहीं, रैगिंग करने आता है दादा, आज हम करेंगे फाइटिंग। वो साला कोई भी इन करने आता हो, जाके देखो उसे कहाँ पर है। अंदर बहुत सारे लोग जॉगिंग करते हैं भाई, अपनी बहन के पीछे दौड़ते दौड़ते आएगा, यही पकड़ के काट देंगे साले को। ठीक है, ए नारियल पानी पिला। देता हूँ भैया। ए, ऐसे काटते क्या? चल इधर ला। उसका भी सर एक ही बार में उड़ना चाहिए भाई। हाँ, अबे इसका पैसा कितना हुआ? आपके लिए फ्री है भाई। भैया भैया, तुम्हें आई लव यू नहीं बोलेगी, तुम्हारी ठुकाई करने के लिए भैया को बुलाया है। तू जल रहा है। मैं नहीं जल रहा हूँ, जलाएंगे तो ये लोग तुम्हें। वो देखो भैया। छोटे, मैटर सीरियस हो गया है, तू उसको फोन कर। एम्बुलेंस को बुलाऊं क्या? अपने फिटिंग मास्टर को, संपत को। दादा वो भाग रहा है, बचना नहीं चाहिए। अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं आपकी सिस्टर को लाइन नहीं मारता। वो तो तेरे साथ में खड़ा था ना, चाकू तेरे अंदर घुसेड़ दूंगा। सच में इन्हें लाइन नहीं मार रहा था। फिर कौन मार रहा था? इसे हम लाइन मार रहे थे, ये आप गलत सोच रहे हैं, इसे बॉस लाइन मार रहे थे। सही बोल रहा है, चलो रे आज इसे नहीं छोड़ेंगे। रात में तुमने सपने में आकर मुझे कितना चूमा है मालूम है? मैं भीग गया, सर्दी भी हो गई थी। अरे गरम गरम एक किस दे दो ना, मेरी पूरी सर्दी हट जाएगी। क्या रे, पब्लिक बूथ से फोन करेगा, मुझे पता नहीं चलेगा? इतने दिनों से तुझे ढूंढ रहा था। तू बेला के भाई, आप बेला के भाई हैं? भाई नहीं होता तो तुझे क्यों मारता? एक मिनट यहाँ और खड़ा रहा तो तेरा मर्डर करूंगा। नहीं बाप रे, भाई का नाम सुनते ही सबकी फट जाती है। हेलो, मैं दास बोल रहा हूँ, तुम जल्दी हुड्डा पार्क में आ जाओ। क्या कर रहा है, बिना देखे भाग रहा है, दिखता नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 यहाँ से जाता हूँ। रुक जा, सो निकल गया। अरे यहाँ से जाना। अरे मोटी, थोड़ी देर में तो मेरी जान ही निकल जाती। पैरों के बीच में क्यों घुसा? अरे वो गया तो उसको क्यों नहीं रोकी? भाई हम भी घुसे क्या? छोड़ो छोड़ो, चलो 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 चलो। ए भाग का रहा है, भाग भाग। अरे ये कहाँ गया? ए रोक, बताइए। रुक क्यों गया, आगे जा। आगे रास्ता नहीं है भाई। अबे मैं दिखाता हूँ तुझे रास्ता। ए बचाने कब आया? जब तूने अपनी आंखें बंद रखी। ये कौन है बे? मेरा फ्रेंड है, तुम्हारा बाप है, दोस्ती के लिए जान दे देता है ये। मतलब तेरे बदले ये मरेगा? ए, इसको भी खत्म कर दो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। भाई हर चीज के हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, पहला टॉकिंग, दूसरा फाइटिंग। इसमें मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा बोल रहा है लंबू, तेरी तो मैं। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव एनी ब्रदर? 4 brothers। तो फिर रुक क्यों गई, जाओ ना। ओके। हेलो, तुम्हारा कोई भाई है? नहीं है। गुड, मगर मेरे दो पति हैं। वेरी वेरी गुड, चलो अब निकल लो। गलती पूछे
कभी ना किसी को मारना गलत बात है। यही तो बात मैंने पहले कही थी, तुमने दूसरा ऑप्शन चुना। चलो पहला ऑप्शन वाला काम करते हैं। बोलो क्या हुआ था? अपनी सिस्टर के लिए। सिस्टर के लिए? हाँ भाई, अगर मेरी बहन इसे प्यार नहीं करेगी तो ये उसे गुंडों से किडनैप करवाएगा, ऐसा बोल रहा था। क्या रे, ये सच है ना? मुझे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। प्यार में दुनिया रिंग देती है, तू वार्निंग देता है? तीन वार्निंग दिया, फोन ही नहीं उठाती, तू वार्निंग दी? अबे चुप, ये बात तो तुमको पहले बतानी चाहिए थी। ये क्या भाई, हमें पता नहीं था कि तुम इतना मारोगे। जो हुआ उसके लिए सॉरी। अब इस पल से मेरा इसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसके साथ 20-20 खेलो या 50-50 खेलो, आपकी मर्जी है। अब तो तुम मेरे दोस्त को भूल ही जाओ। ओके, हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सिग्नल चल रहे तो क्या सर पे चढ़ के जाएगी? मैं कैसे भी जाऊँ, जरूरत पड़े तो उड़कर भी जाऊंगी। तेरे जैसे लोगों को ट्रैफिक सेंस होता नहीं है, रोड पे कार लेके आ जाते हैं, इसलिए इतनी ट्रैफिक जैम होती है। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। मेघना चुप रहो। क्यों चुप रहा हूँ मैं? एक दो कौड़ी की सड़ी हुई साइकिल लेके एक हाथ मारूंगा ना, दिन में तारे नजर आने लगेंगे। ये दो कौड़ी की साइकिल लगती है, ये स्टील साइकिल है, इसकी वैल्यू तुझे पता भी है क्या? इससे ट्रैफिक जैम नहीं होती, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन नहीं होता है, चलाने वाले की एक्सरसाइज हो जाती है। और तेरी खटारा कार से साउंड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन होता है, एक्सीडेंट हुआ तो डेथ कंफर्म है। और इसी खटारा गाड़ी में बैठकर एसी चला के अपनी चर्बी बढ़ाना, क्या है क्या तेरे कार में? शट अप, सीधी तरह से साइकिल हटाते हो या नहीं? नहीं हटाऊंगा, जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं होता नहीं जाऊंगा। हेलो, ये आरटीओ ऑफिस है ना? यस। AP21H 1234 कार किसके बताएंगे? ओनर की है। नाम बताएंगे? आप कौन है बताएंगे? लैटिट्यूड जिम का कोच। जिम कोच, योगा कोच, स्विमिंग कोच, कोई भी एड्रेस पूछेगा तो हम बता देंगे। इडियट। इसकी तो क्यों संपत, क्या हुआ? हेलो, सीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ, सर बात करेंगे। सीएम साहब। क्या रे सरकार के नौकर, सरकार तुझे बराबर पगार देती है ना, जनता का काम करने के लिए कि सोने के लिए? सोने के लिए नहीं, काम करने के लिए। तो फिर कार ओनर का एड्रेस पूछूंगा तो नहीं बताएगा क्या? नहीं बताएगा तो नौकरी से निकाल दूंगा। सर वो आपका आदमी है, मुझे मालूम नहीं था। तो मालूम होना चाहिए, सिर्फ मैं ही नहीं मेरी पार्टी के सभी वर्कर 2 रुपए में इसके यहाँ एक्सरसाइज करने आते हैं। अब तुझे क्या पूरी महाभारत सुनाऊं? एड्रेस बता। यस सर। जी सुरेंद्र बाबू, चेयरमैन मेघना इंडस्ट्रीज। बच गया तू, ये लो बॉस। जी सुरेंद्र बाबू, चेयरमैन मेघना इंडस्ट्रीज। जी सुरेंद्र बाबू, अपना कस्टमर है क्या? ये कौन है पता है? राजीव का बाप। तो फिर वो लड़की? उसकी बहन होगी, करेक्ट टाइम पर कनेक्शन मिला है। फोन नंबर है क्या? हेलो मेघना की, आप क्या लगती हैं? मम्मी हूँ उसकी। तो फिर शॉक लगने वाला है। वो क्यों? आपकी 1234 सोनाटा कार सागर रोड पर रोड रोलर के नीचे आ गई। उस रोड पे कैसे एक्सीडेंट हुआ? क्यों, उस रोड पर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? वो बात नहीं है, मेरी बेटी कार लेके कॉलेज के लिए निकली है। किस कॉलेज में? ए चल ना, कैफेटेरिया चलते हैं। वहाँ तो रोज आते हैं। ए मेघना, वहाँ देख। ए कौन हो तुम? अपनी बाप की कार समझ कर लेटे हो क्या? ज्यादा बात मत कर, तेरे बाप की समझ कर ही बैठा हूँ। क्यों, तेरी कार मेरी साइकिल पे चढ़ सकती है, मैं तेरे कार पे बैठा तो क्या हुआ? यहाँ क्यों आए तुम? खुद सीएम साहब अगर आकर मेरी साइकिल को देखेंगे ना, उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तूने मेरे साइकिल की हालत ही ऐसी कर दी है। ये क्या है, लव लेटर है? मेरे दिन इतने खराब भी नहीं चल रहे हैं कि मैं तुझे लव लेटर दूं। तूने जो डैमेज किया है ना, उसका बिल है। ड्रेस कुछ ज्यादा ही शॉर्ट लग रहा है, कितने मीटर में काम चला है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ करेक्ट है, तू छोटे कपड़े पहन या बड़े कपड़े पहन, मुझे क्या करना है? मेरा डैमेज भर। नहीं किया तो? एक बार सोच के बोल। नहीं दूंगी। मेरा बिल पे कर और अपना सेल लेके जा। ए! ओ, एड्रेस चाहिए? ये ले। पीस जोरदार है। हाँ? बहुत सेक्सी रिंगटोन है, बहुत ही चालू होगी वो लड़की। हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? आप कौन है? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? फोन तुमने किया, उठाया है मैंने, तुम बताओ तो अच्छा रहेगा। यू ब्लडी,
Is it 9849209809? तुमने यही नंबर डायल किया है ना? यही है। हाँ तो सही है, ये मेरी बेटी का फोन है, तुमने क्यों उठाया? आहा आहा, रिंग बजे तो उठा लिया। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी बेटी का पति हूँ। इडियट, कौन था जी? तुम्हारा दामाद। मेघना, जरा अपना फोन मुझे देना। फोन वो तो फ्रेंड को दिया है। बॉयफ्रेंड को? नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर कौन है वो? इतना सब कुछ हुआ, पुलिस में कंप्लेंट देने की बजाय उसे कॉम्प्लीमेंट में फोन देकर चलिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। शट अप, उससे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। उसके पैसे उसके मुंह पे मार दो और फोन लेके आओ। होटल आ गया भाई। ये अपने रेंज का होटल है ना? ये होटल आपके लेवल का भाई? भाई पेट में चूहा दौड़ रहा, चलो ना। जरा रुको। क्या हुआ भाई? बॉस कौन? आप हैं। असिस्टेंट्स कौन? हम हैं। तो आगे कौन जाएगा? सिक्स सेंस नहीं है, हड्डी तोड़ दूंगा। सॉरी भाई, हम पहले चले तो तुम्हें रास्ता नहीं दिखेगा, ये नहीं सोचा था। चलो ना भाई, हम पीछे आएंगे। मतलब तुम लोग वीआईपी की तरह पीछे पीछे आओगे, मैं नौकर की तरह आगे आगे जाऊंगा? आगे चले तो प्रॉब्लम, पीछे चले तो प्रॉब्लम, हम करें क्या? हाँ। चोर के साथ साथ पुलिस जैसे चलती है। पीछे चलो। क्या हुआ, कोई हमें देख नहीं रहा है क्या? इतने आराम से आओगे तो कौन देखेगा भाई? थोड़ा स्टाइल मारो बॉस। पटना तू अंधा है क्या? टेबल पे लात क्यों मारी? तुझे नहीं मारा जाए आश्कार। ए, मेरे बारे में बता इसको डिटेल में। भाई कौन है मालूम है? मालूम है, दिलीप कुमार। अरे वो नहीं, लेटेस्ट भाई हैं। अच्छा लेटेस्ट है, सलमान खान। अरे वो भाई नहीं वे, ये भाई हैं। यार यू आल्सो, तुम लोग मुझे भाई बोलोगे तो कौन यकीन करेगा? है नहीं भाई, ऐसे ही बोल दिया। अब नहीं बोलना, पब्लिक मिसअंडरस्टैंड हो जाती है। अगली बार से मेरा नाम बताया करना, ठीक है? हाँ? मेरे बॉस झुमरी तलैया के बहुत ही खतरनाक गुंडे हैं। बॉस इज द बॉस। किसी बस में लिखा था क्या? मुझे तो बेसन में डुबा मिर्ची भजिया लग रहा है। मिर्ची भजिया तेरी तो, तुम लोग के लिए ऐसी की तैसी। अरे वो बोला तो हमें क्यों मार रहे बॉस? चुप रहा, उसे डराने के लिए मार रहा हूँ। रास्कल, ये झुड़का भाकर है क्या? है लगता है बॉस वो डर गया है, थोड़ा और स्टाइल दिखाओ। ए, तुम दोनों तो भैंसे के जैसे दिख रहे हो। ये टिंगू को तो शर्म नहीं आ रही है, तुम लोग को भी शर्म नहीं आ रही? तू अबे बहुत हो गया, हाथ हटाओ, गंदा दर्द कर रहा है मेरा। अबे चक्कर क्या है, उसे इतना डराया फिर भी साला स्टाइल मार के चला गया। अब तुम खुद का बाजा बजाओगे तो ऐसा ही होगा। तो फिर किसकी बजाओ बे? सर ज्यादा स्टाइल मारोगे तभी लोग तारीफ करेंगे। तो फिर क्या करोगे तुम? अभी तक किया क्या जो बताएंगे? कुछ करेंगे तो बताएंगे ना। क्या करूं मैं, मर्डर करना पड़ेगा, बलात्कार करना पड़ेगा। अरे रेप में वीक हूँ यार, मारने में उस्ताद हूँ। अभी तक किसी को मारा आपने? कल रात को जब तुम दोनों सो रहे थे, उस वक्त मच्छर मारने वाले बैडमिंटन से मैंने 25 मच्छरों का खून कर दिया। मटन की दुकान वाला मस्तान भाई रोज 100 मुर्गी काट के और 10 बकरे काट के सेंचुरी पूरी कर देता है। मच्छर और मुर्गी काटने से कोई गुंडा नहीं बनता। लोगों को मारोगे तभी लोग डरेंगे आपसे। अरे बाप रे, कल ब्लेड से हाथ कट गया था तो चक्कर आ गया था मुझे। तो फिर इस जन्म में तुम भाई नहीं बन सकते। अरे चुप बे, छोटा राजा नबू सलेम दाऊद इब्राहिम जैसा लीडिंग डॉन बनना है मुझे। सेटलमेंट्स करके करोड़ों कमा के राजनीति में आना है, यही मेरा एम्बिशन है। तो फिर एक काम करोगे? बक, बिना सबूतों वाली कोई लाश देखकर तुमने उसे मारा ये कबूल कर लो। जब लोग तुम्हारे बारे में सुनेंगे तो पूरे शहर में तुम्हारा खौफ फैल जाएगा। अबे ढक्कन, केस हो गया तो होने दो, उसके बाद पुलिस की जुबान पे और मीडिया के कैमरे में आओगे। और जब एक दो साल जेल में रहेंगे तो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। पार्टी वाले आपको फ्री टिकट देंगे और जीतने के बाद मंत्री बना देंगे। व्हाट एन आईडिया। हां सही कह रहे हो, क्राउड बहुत बढ़ गया, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सक्यूज मी, इधर कोई लाश मिलेगी क्या? ये फोटो वाले को कहीं देखा है क्या? जरा ध्यान से देखो यार। अबे ये कोई शाहरुख या ऋतिक है क्या कि मैं इसे जानता हूँ? है मेरी चाची का लड़का है, मुझसे मिलने के लिए गांव से यहाँ आया था, खो गया। अबे टीवी के टावर की तरह दिखता है, खो कैसे जाएगा? किसी के साथ भाग गया होगा, जाके हर समाज मंदिर में ढूंढ, वही मिल जाएगा। जा, तुम्हारे फालतू सजेशन के लिए थैंक्स। भाई को क्या समझा रहे? बॉस इज द बॉस। मैं भी कूल, मीडिया के आने तक हम लोग चुप रहेंगे। साइड प्लीज। ओके हम साइड हो जाते हैं।
गधा कहीं का। वो हैदराबाद में ही है क्या? पता नहीं यार, मुझे लगता है वो यहीं पर है। वो दोनों तो फॉरेन भाग गए, पहले इसे ही पकड़ना पड़ेगा। चाचा दो चाय। हाँ दे रहा हूँ। शहर के बाहर एक आवारा लोफर की दर्दनाक मौत है। अरे बॉस भी दो दिन से नहीं दिख रहा है, कहीं ये मर्डर बॉस का तो नहीं हुआ? अरे उधर देख। ये क्या बॉस, ये क्या हाल बना रखा है? लड़की के भाइयों ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तूने प्यार नहीं किया इसलिए उसका टेस्ट मालूम नहीं है। दारू पियोगे तो अल्सर होगा, सिगरेट पियोगे तो कैंसर होगा, मालूम होते हुए भी टेस्ट करने की जरूरत है क्या? मुसीबत का दूसरा नाम प्यार है। तेरी ये हालत देखकर मुझे प्यार से और नफरत हो गई है। तुम तो गए बॉस। ए संपत, दो महीने बाद मेरी शादी है। तो मैं आके मंगलसूत्र बांधू? मेरे साथ मजाक मत कर। ज्वाइन करने से पहले क्या बोला था? अरे इतना काम रहता है कि मैं भूल गया था। बोल क्या बोला था? एक महीने में शेप आने का बोला था, आया क्या? सिर्फ आधा किलो वेट उठाने से सिक्स पैक एब्स नहीं आते। हाँ? बिना रुके इसे 100 बार ऊपर नीचे कर। ए बाप रे। क्यों, शादी के बाद स्वागत नहीं मनानी? वो नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? उठा। हेलो एक्सक्यूज मी, जिम कोच आप ही है ना? मैं नहीं हूँ, वहाँ देखो वो पागल है। वो भी आप ही है ना? सामने देखकर तो समझ में आता नहीं, इसलिए तुझे आईने में दिखाया। ये कौन है, तुम्हारी बैटरी? मिस्टर, मेंबरशिप के लिए पूछा, अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं। ओके हाँ बोलो क्या चाहिए। आपके जिम में सेपरेट केबिन्स है ना? कुछ प्राइवेट बातें करनी है, सही कहा ना? थिएटर में, पार्क्स में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इंटरनेट कैफेज में भी वीडियो कैमराज लगा रहे हैं, यहाँ थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा इसलिए मैंने। अच्छा उसके लिए। बालू हर्ट हुआ इतना गहरा? अरे मार क्यों रहे हो? सॉरी बालू। ए दास पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन क्यों? मैंने मारा तुझे, अरेस्ट करवाएगा। अरे नहीं नहीं चलो माफ कर दिया। तू क्या माफ करेगा बे, 1.5 फुट का भी नहीं है और अभी से प्यार। कौन से क्लास में हो तुम? इंटर फर्स्ट ईयर। मतलब 16 साल की हो? स्कूल से कॉलेज में आती बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ गई? एड्रेस बताओ। कृष्णा नगर। तुम्हारे बाप का नंबर? एक ही पिताजी है। छे वो नंबर नहीं, फोन नंबर। वो किस लिए? तुम शादी के लायक हो गई हो ना, उनको बता दो तुम। अरे वो मार डालेंगे। डर लग रहा है ना, क्योंकि तुम गलत कर रही हो। तुम मर गए तो 1-2 दिन का शोक मनाएंगे, लेकिन गलती करोगी तो जिंदगी भर तुम्हारे माँ बाप रोते रहेंगे। इस उम्र में तुझे बुक्स एजुकेशन लेना चाहिए, सेक्स एजुकेशन नहीं। अपने माँ बाप और अपने करियर के बारे में जरा सोचो। ठीक है। दोबारा इस लड़की के साथ दिखा या बात भी की ना तो तेरे सारे कनेक्शन काट दूंगा। चल निकल। चलो चलो। हाँ चलो। ये तो सच में हीरो है। हम इसकी तारीफ करने नहीं फोन लेने आए हैं। मेरा फोन। मेरा पैसा। पूरे देना। हेलो मुझे सिर्फ 5,300 रुपए चाहिए थे। बाकी के पैसे टिप में रख लो। मुझे टिप रखने की आदत नहीं है, तुम्हारी टिप तुम्ही रख लो। टोटल डिफरेंट है, रेगुलर टेस्ट ही तो है। आइसक्रीम की बात नहीं कर रही हूँ, वो संपत उसके कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। सही कहा, वो ज्यादा घमंडी है। नहीं यार, लड़की के बारे में और प्यार के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सही है। मुझे तो ओवर लग रहा है, उसे कोई लड़की भाव नहीं दे रही होगी ना, इसलिए जिम में उन बच्चों की वो क्लास ले रहा था। लेकिन यार उसने जो भी कहा सच कहा। देख लेना, विद इन 1 वीक उससे आई लव यू नहीं बुलवाया तो मेरा भी नाम मेघना नहीं। Hi, how are you? I'm fine. Okay. Meet my classmates, Anjali and Revathi. Hi. And he's Varun, my brother's classmate. Raju, अभी तक अमेरिका से नहीं लौटा? Close friend हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए। घर चलिए ना। नहीं, मैं जल्दी में हूँ। Bye. 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 See you. क्या है? पेपर। अबे वॉचमैन को दे देता। तुम
तुम यहाँ? कहां पर पैदा हुआ, कहां पला बढ़ा और कहां पर आकर मरा, ये डायलॉग किसने लिखा रे? सलीम जी ने। डेड बॉडी को किसने पहले देखा? इस लड़की ने। अंधा है क्या? लड़की और आंटी में फर्क नहीं मालूम पड़ता? साइड एंगल से तो लड़की दिखती है। तुम यहाँ पर कौन कौन सा काम करती हो? क्या है, सारा काम करती हूँ। बताओ क्या हुआ था? सुबह सुबह जब आई तब दरवाजा खुला हुआ था, अंदर आते ही देखा सामने लाश पड़ी है, कोई है ऐसा करके चिल्लाई, तब पड़ोसी ने आपको फोन किया। व्हाट इज दिस? न्यूज कवरेज के लिए सर। आप लोग ये बताइए, यहाँ हंसिका कपड़ों की दुकान की ओपनिंग कर रही क्या, या रजनीकांत क्लैप मार रहे हैं? जो मुंह उठाए यहाँ चले आए। न्यूज कवरेज करना हमारा काम है सर। हत्यारे के सबूत कवर करना हमारा काम है। आप सब आकर यहाँ घूमेंगे तो प्रिंट्स पर आपके निशान मिलेंगे, फिर बिना सोचे समझे आप सभी लोगों को अंदर करना पड़ेगा, आपके चैनल में आप ही की न्यूज चलेगी। निकलो 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 निकलो। इस हत्या के बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग या सबूत नहीं मिल पाया है, पुलिस की कोशिश नाकाम रही, पर टीवी 10 ने अपने खोल से ये पता लगाया है कि नाजायज संबंधों के कारण ये हत्या हुई है। तेरे दर पे सनम हम चले आए, तू न आया तो हम खुद चले आए। ये गाना किसने लिखा है? नहीं मालूम। इतना पॉपुलर सॉन्ग किसने लिखा है ये नहीं मालूम है तुम्हें, लेकिन मर्डर किसने किया है ये सब बराबर मालूम है। ये नाजायज संबंध वाली बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी? कहीं तुम वही तो नहीं हो? तुम्हारे पति को बता दूं क्या? यहाँ की पब्लिक बोल रही है सर। कौन सी पब्लिक? कहाँ है पब्लिक? कहाँ है? अंदाजा लगाया था सर। आपके टीवी चैनल को सपना आया था क्या? आपकी सोच पब्लिक की सोच से मिला के कुछ भी मत बोला करो। सर ये मर्डर कैसे हुआ सर? किसने किया होगा सर? आपको अभी तक कोई सबूत मिला सर? आपको किसी पर शक है सर? नहीं मुझे पता है। किस पर सर? अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन ने? उनका इस मर्डर से क्या संबंध है? आजकल सभी लड़के फिल्मों के लिए ट्राई कर रहे हैं, सभी बच्चे हीरो बनेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा, इसलिए बच्चन साहब ने मार डाला। ये क्या सर, हम सीरियसली पूछ रहे हैं और आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं तो मैं क्या बताऊँ, ये न्यूज अभी मुझे मिली है। इन्वेस्टिगेशन के पहले किसने मारा, कैसे मारा पूछोगे तो यही बताऊंगा ना। न्यूज के लिए मैंने मारा यही बताऊँ क्या? जैसे सबूत मिलेगा इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हत्यारा कौन है हमें पता है। कौन है वो? मैं हूँ। कौन है ये? फुटपाथ पर बीड़ी बेचने वाले जैसा दिख रहा है ये? हमारे बॉस ऐसे ही हैं, ऊपर से साइलेंट अंदर से वायलेंट। टीवी पे डॉन ऐसे दिखते हैं। अरे ये क्या करो बॉस, अपने थोबड़ा ऐसे ढकोगे तो कैसे चलेगा, पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी? Hey, good यार, I like it. One, two, three, four. Yes. ये हत्या आपने क्यों की सर? अपने चाकू का धार चेक करने के लिए। आप भी मजाक कर रहे हैं, सच बताइए सर। What do you mean? Yes. Okay. हाईटेक सिटी बेचूंगा, बोला नहीं खरीदूंगा, 4 मीनार दूंगा, उसको भी बोला नहीं। एडीएल कितना दाम लगाया सर? 1.5 रुपया। खरीदोगी क्या? ये भोटपतिया बोलेगा कि मैंने मर्डर किया तो तुम मान जाओगी क्या? मिस्टर इंस्पेक्टर, यू आर इंसल्टिंग मी। I'm not Putpatia. I'm Hatyara. You don't know about me. Hey, tell him, tell him, tell him. हमारे बॉस को गुस्सा आ रहा, मान जाइए सर। इस मर्डर में हमने भी इनका साथ दिया है। Come on, arrest us. Hey, चलो छोड़ो इनको, चलो बहुत काम है। ये तीनों हत्यारे यहाँ सरेंडर कर रहे हैं और आप इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? मेरे साले हैं इसलिए। जीजू, what's that? अगर कहीं यही हत्यारा होता तो हमारे खोजी कुत्ते इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। वो मुझे जानते हैं, मुझसे डरते हैं, मेरे पास नहीं आएंगे, you know? क्यों? इससे पहले म्युनिसिपैलिटी में कुत्तों को पकड़ता था। अबे इसे कैसे पता? तूने बताया क्या? अबे मिस्टर इंस्पेक्टर, अगर तुम मुझे अरेस्ट नहीं करोगे तो लगता है मुझे कोर्ट में जाकर सरेंडर करना पड़ेगा। कम ऑन, अरेस्ट मी। नहीं, तुझे उतनी तकलीफ नहीं दूंगा। थैंक यू जीजू। दे दाना दन, दे दाना दन, ले दाना दन। ये गाना किसने लिखा है मालूम है? आई डोंट नो। पुलिस स्टेशन चल, मालूम पड़ जाएगा। ओह, इसे जेब में डाल के ले। हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर सक्सेस। ए चल ले मुझे, चल। ये बॉस किसी का सहारा नहीं लेता, खुद ही बैठता है। ठीक है, चल चल। 1, 2, 3। सर, मरने से पहले वरुण के पास 2 लोगों का कॉल आया था। पहला फोन उसके पिताजी ने किया था और दूसरा सीडी पांडू ने। सीडी पांडू ने? हाँ सर,
ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वो क्रिमिनल, दोनों का कनेक्शन कैसे हो सकता है? सर कहाँ है? होम थिएटर में है। आइटम अच्छी है। कौन है ये? मुंबई की हीरोइन है सर। शूटिंग के समय गेस्ट हाउस में रुकी थी, बॉयफ्रेंड के साथ मजा कर रही थी। अपना वरुण है ना, सीक्रेट कैमरा से पूरा कामासूत्र शूट कर लिया। बड़ी हीरोइन है क्या? नंबर वन चल रही है सर। 1,00,000 DVD VCD बनाकर मार्केट में रिलीज कर दो। एक कॉपी TV10 चैनल को भी दे दो। मुंबई की हीरोइन बॉयफ्रेंड के साथ बार बार रिपीट करेंगे और अपने बिजनेस की पब्लिसिटी हो जाएगी। सर रेट पड़ी क्या? नहीं सर, वरुण को किसी ने मार दिया। किसने? पता नहीं सर। तो पता करो, अपना आदमी उसे नहीं मालूम था तो ठीक है, अगर उसे मालूम था तो उससे खतरा है। ओ मंदाकिनी, ओ ऐसे 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 से नहीं घूमना है, स्मूथ हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ। मुझे करने नहीं आ रहा है, जरा पकड़ कर बताइए ना। ओ श्योर, सब कुछ काट दूंगा। नो कैचिंग नो टचिंग। क्यों, मर्द नहीं हो क्या? देखा, चांस मारा तो पहले तू गाली देता है, चांस नहीं मारा तो वो कहती है तुम मर्द नहीं हो क्या? टेंशन मत ले, तुम मर्द का है, सही तो बोली। Okay, Yes, ma'am. What can I do for you? हम आपका जिम ज्वाइन करना चाहते हैं। Sure. My package. Daily 1 hour. किस टाइम पर आएंगी? जब मन करेगा तब आएंगे। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। Okay. रोज इसी टाइम पर आएंगे। Thank you. आपको कुछ मदद चाहिए तो बोलो। तुमसे पूछे क्या? नहीं इनसे। मुझसे पूछिए। मैं यहाँ का ओनर हूँ, ये मेरा स्टाफ है, आप आइए मैं लेकर चलता हूँ। आइए आइए, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बेहिचक मुझसे पूछिएगा। क्यों, वो ट्रेनर नहीं आएगा क्या? नहीं, वो हार्डवेयर ओनली फॉर मेंस, मैं सॉफ्टवेयर ओनली फॉर लेडीज। कम ऑन बेबी, चल बे। यू सेड बे? हाँ बे। नो प्रॉब्लम, वैसे फ्रेंडली लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शक्ल देखिए, चल हट। ये कितनी हॉट है ना, लेकिन साथ में घमंडी भी है। कस्टमर्स को ये वो नहीं बोलना है, ताला लग जाएगा। इसके चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मर गया। मार डाला। तुम लोग ने देखा गुरु कैसे स्टाइल से उठा? अभी मेरे पास आकर पूछेगा आपको कोई हेल्प चाहिए मैडम, देखना यही बोलेगा। एक्सक्यूज मी। यस। आप लड़की हैं ये चेहरे से ही पता चल रहा है, तो ये नुमाइश करने की क्या जरूरत है? कल से आप जब यहाँ आए तो ये 2-piece पहनकर मत आइएगा। इसके लिए अपना फिटिंग मास्टर ही करेक्ट है। इन दोनों की फिटिंग हो जाए तो मजा आ जाए। चल गाओ रे। बॉस, आइडिया कैसा था? I don't know यार। One second. Now back side. Very good. थोड़ा आराम भी कर ले भाई। मेरे आराम से तुझे क्या लेने देना है? तुझे सच तो बताना ही पड़ेगा। अब मैं कितनी बार बताऊं? वो मटर मैंने किया है, मैंने। फिर वही बात तेरी। तो हम नहीं मारा है। ये कैसी पुलिस है? मर्डर किया बोला तो भी मारते, नहीं किया तो भी मारते। hey, अगर तुम लोगों ने ये बोला कि तुमने खून किया तो हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। hey. तुम लोग ये कबूल करो कि तुमने खून नहीं किया है, समझ गए ना? इस खून से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मेरी जान भी चली जाएगी तब भी मेरी आत्मा से यही आवाज आएगी कि वो खून मैंने किया है। ए, तुम लोगों को अगर जेल ही जाना है तो तुम पॉकेट मारो, हम उस केस में तुम्हें जेल भेज देंगे। नो, बॉस इज द बॉस, चिंदी चोर नहीं हूँ, तू अपना काम कर, कम ऑन बीट मी। बॉस, एक ही जगह कब से मार रहे हैं, अब दर्द होने लगा, मान जाइए ना। एक बार कमिट कर लिया तो सलमान की भी नहीं सुनता। सलमान की नहीं तो हमारी तो सुन लो। इट्स ओके ओके, इस बार पहली बार ये बॉस तुम लोग की बात मानता है। इंस्पेक्टर, ये खून हमने नहीं किया है। सर, उसने हमारी बात मान ली। पेन किलर खरीदने के लिए 100 रुपया देकर भगा दो उसे। ठीक है सर। सर
अपार्टमेंट के दूध वाले पेपर वाले वॉचमैन को साथ लेकर आया हूँ सर। अभिमन्यु फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू, अब तू ना बच पाएगा, अब जेल की रोटी खाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं बताऊँ क्या? इस पिक्चर का हीरो कौन था? अच्छी पिक्चर थी, सुपर हिट हुई थी। वरुण का मर्डर लगभग 5 और 5:15 के बीच में हुआ। उस समय घर पे आता है दूध वाला और पेपर वाला, क्यों ठीक कहा ना? हाँ ठीक कहा साहब। अरे बाप रे, उस दिन मैं पेपर डालने नहीं गया था, टाइम ही नहीं मिला, मेरे जाने से पहले मर्डर हो गया था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 5 बजे आए थे ना? मैं तो नहीं आया था वहाँ। चुप, तुमने इसको आते हुए देखा था? ये 5 बजे साइकिल पे पेपर लेके आया था साहब। इसका मुंह देखा था क्या? इसने मुंह पे मास्क पहना था साहब, ठंडी का मौसम है ना, इसीलिए मैंने गेट खोल दिया था। हर रोज तू जल्दी जाता था, उस दिन 7 बजे तक क्यों नहीं गया तू? 4 बजे जब बाहर आके देखा तो साइकिल पंचर थी, इसीलिए पेपर डालने नहीं जा सका। बिल्कुल क्लियर। उस किलर ने इसकी साइकिल पंचर की और मुंह ढक के पेपर वाला बन करके वरुण का मर्डर किया। ए, उसे देखेगा तो पहचान जाएगा ना? आंखें देखूंगी तो जरूर पहचान लूंगा। गुड, इसे लैब में ले जा करके आंखों का डिजाइन दिखाओ। ड्राइवर जरा कार रुकना। क्या हुआ? संपत, हाय, बस के लिए वेट कर रहे हो? नहीं, प्लेन के लिए। आप अच्छा जोक कर लेते हैं, आइए ना कार में चलते हैं। नहीं मैडम, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, ये रईसों के चोचले मेरी आदत खराब कर देंगे। ठीक है, आप कार में नहीं बैठेंगे तो हम भी बस में जाएंगे। ड्राइवर तुम जाओ। ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई थी। किस लिए? आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू। मुझसे मिले हुए तुम्हें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, एक दूसरे को जानते तक नहीं, फिर ये प्यार कैसे हुआ? सब कुछ जानकर प्यार करे तो वो बिजनेस हुआ ना, लेकिन प्यार तो एक पल में होता है और जिंदगी भर रहता है। लगता है फिल्में ज्यादा देखती हो, हाइट वेट फेस देख के आई लव यू बोलने को प्यार नहीं, टाइम पास कहते हैं, और मुझे तो प्यार से बहुत एलर्जी है। मेरे चक्कर में मत रहो, धोनी या युवराज सिंह को प्रपोज करो, वो तुम्हारे लिए सही है। क्या कर रहे हो? इंटर किया है, इंजीनियरिंग करने वाला हूँ। स्टुपिड। ए, ये क्या पागलपन है? बहुत नरम नरम। दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। मुझे चलेगा, बनवा लूंगा। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बेहतर जगह। क्यों भाई, इसके बॉडीगार्ड है क्या? जो समझना है समझ लो। तू इसके एरिया का है क्या? इसके शहर का भी नहीं है। तो फिर हमारे बीच में क्यों आ रहा? चल हट। ए भाई, दिखने में तो आप लोग स्टूडेंट्स लग रहे हो, अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? मुझे भाषण मत दे, मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो तुम जैसों की वजह से ही स्टूडेंट्स का नाम खराब होता है। साले सिंगल पसली, तेरी तो मैं। यार एक से एक नमूने है, लगता है सलमान का चश्मा इसे भी लग गया, जिसे देखो 6 पैक्स दिखा के डराने लग जाता है। अबे बिल्डर, तेरे जैसों को मैं तैयार करता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी महंगी टी शर्ट तूने फाड़ दी। तुम जल्दी पुलिस को फोन कर, पुलिस को बुला। हेलो पुलिस स्टेशन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो किसी और की नहीं सुनता। ये किस पिक्चर का डायलॉग? वांटेड का सर। सभी जानते हैं ये लोग इतना फूट फाट गए, क्या हाथ से ही मारा? से नहीं, लात से भी मारा। तू अपने आप को हीरो सलमान खान समझ रहा है क्या? नहीं सर, मैंने तो अपने आप को कभी हीरो नहीं समझा। क्या स्टूडेंट्स को पकड़कर इतनी बुरी तरह से मारते हैं? सर इन लोगों ने गलती की थी इसलिए। तो सजा देने वाला तू कौन है? अगर इन लोगों ने गलती की थी तो तुझे यहाँ आकर कंप्लेंट करनी चाहिए। मैं यहाँ आके कंप्लेंट करता, उसके बाद अब वहाँ आते तब तक ये लोग भाग जाते।
स्पॉट पर ही पनिशमेंट दी तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आई सी, ऐसे ही सब लोग एक्शन लेंगे तो हम लोग किस लिए हैं? ये पुलिस स्टेशन किस लिए है? क्या बात कर रहे हो सर, चोर और आतंकवादी, इज्जत लूटने वाले, मर्डर करने वाले कितने सारे लोग हैं, आपको उन लोगों को सीधा करना है सर। ओहो, अब कानून को कैसे हैंडल करना ये तुम मुझे बताओगे? हाँ हाँ सर, मैडम। हाय डार्लिंग। डार्लिंग, अ स्वीट किस फॉर यू। यू रास्कल, मेरे सामने मेरी वाइफ को डार्लिंग कहता है और चुम्मा भी दिया सर। आपकी वाइफ कैसी है नहीं पता है, सिर्फ आपके फोन को हाथ लगा के उसे किस किया तो आपको इतना गुस्सा आ गया, और मेरी नजरों के सामने किसी लड़की को कोई मवाली छेड़ेगा तो मुझे कितना गुस्सा आएगा सर। अगर आप अभी मुझ पर हाथ उठाते हैं तो मुझे उनको मारना सही लगा, आप जो चाहें सजा दे सकते हैं। अच्छा फिटिंग मास्टर है रितु, है ना? हाँ सर, बिना रेंच के ही फिट कर दिया। माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम लोग यहाँ लड़की छेड़ते हो, अब तुम लोग छेड़ना भूल जाओगे। हे वेंकटेश राज, इन लड़कियों से कंप्लेन लेके इनको गुंडा एक्ट के तहत सभी को अंदर कर दो, जल्दी करो। ओके सर। नहीं सर, बेचारे स्टूडेंट्स हैं, करियर खराब हो जाएगा, पेरेंट्स को पता चल गया तो सह नहीं सकेंगे, छोड़ दीजिए सर प्लीज। अच्छा लगा मुझे, तुम बहुत अच्छे हो। कैसा है ये? गुड, दोबारा ऐसी हरकतें मत करना। जा सकते हो, आप लोग भी जा सकते हो, जा सकते हो। थैंक यू सर। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता। ये गाना कहाँ देखा था? टीवी पे सर। टीवी? सर, जैसा वॉचमैन ने बताया था, ये संपत की आंखें वरुण के मर्डरर से मिलती हैं, आप देख लीजिए। पागल हो गया क्या तू? अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला ये लड़का तुझे खूनी दिखता है क्या? तेरा माथा फिर गया है क्या? किसने भर्ती किया तुझे? थैंक यू। बस मैं तो, तुम तीनों लड़कियां साथ में थी, तुम्हारी सहेलियों को छोड़कर तुम्हें क्यों छेड़ा? मैं खूबसूरत हूँ ना इसलिए। नहीं, पूरी चुड़ैल हो इसलिए। इन कपड़ों में तुम पूरी वैम्प लगती हो। इस तरह से अपने टांगे दिखलाकर चलोगी ना तो राह चलता कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर गलत नजर ही डालेगा, कोई भी तुमसे बोलेगा चलती हो क्या, कॉस्ट्यूम चेंज करो, कल्चर को मत चेंज करो। तो सही कह रही थी, he is totally different. मुझे ये बहुत पसंद है। छोटो। हाँ सर। ये प्याज कैसे दिए? 20 रुपए किलो। प्याज काटते समय जो आंसू आते हैं वो अभी आ रहे हैं, अंबानी को पैसों की क्या कमी है, चलो 10 का दो। आधा किलो दूंगा। तुम जैसे लोग है ना इसलिए अंबानी बना है। हेलो। हाय। ओए, 1 किलो दे। शी, क्या बोल रहे हो तुम? चुम्मा 1 या दर्जन में मांगते हैं, तुम्हें किलो या लीटर में चाहिए क्या? तुमसे नहीं, छुट्टा दो। छुट्टा मांग रहे हो? कहाँ हो तुम? मंदिर के सीढ़ियों पर। फोन क्यों किया बताओ? आज मेरा बर्थडे है। हाँ तो? बर्थडे है तो गिफ्ट नहीं दोगे क्या, ये भी बताना पड़ेगा। बर्थडे में जबरदस्ती गिफ्ट मांगना गलत बात है, तुम्हारा बर्थडे है और तुमने अपने सेल से फोन किया इसलिए हैप्पी बर्थडे। ऐसे फोन पर नहीं, पर्सनली मुझे मिलना पड़ेगा। कहाँ मिलना है? हाय। हाँ हाय। बैठो। थैंक यू। वो किस लिए? मेरे बर्थडे पे गिफ्ट लाए इसलिए। अरे वो सरप्राइज गिफ्ट है क्या, जरा देखने दो। अच्छी तरह देखना। ये क्या है? बैंगन। बर्थडे गिफ्ट, वो भी बैंगन? हाँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे बैंगन का भत्ता बनाना है इसलिए। कोई गिफ्ट लाना चाहिए ना। ऐसा तुमने क्या उखड़ा है, तुमने देश को कोई आजादी दिलाई है या मदर थेरेसा की तरह समाज सेवा की है जो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दूं? हे भगवान, तुम कुछ मत दो, आज रात को मैं ही पार्टी दूंगी। कहाँ? ताज बंजारा, कृष्णा ओबेरॉय, योर विश। ओहो, बहुत बड़ा अरेंजमेंट करने वाली हो, पार्टी में कितना खर्चा होगा? हम दोनों ही है ना, 20-25 हजार तक होगा। क्यों, बिल तुम पे करोगे क्या? मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। एक काम करो, वो पैसे लेके तुम 9 बजे पब्लिक गार्डन आ जाना। वाई? अभी जाओ, तुम्हारे वाई का आंसर वही दूंगा। बाय। यस यस यस। इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ओ, वो करने के लिए? तुम्हें और कुछ सूझता नहीं है क्या? हाँ? पैसा लेकर आई हो? स्मगलरों जैसे क्यों पूछ रहे हो? ये लो 25,000 रुपये, पकड़ो। ये किस लिए? बताता हूँ, चलो। सभी को 1-1 दो। आज इस लड़की का जन्मदिन है, तुम सबको ठंड लग रही है ना, इसलिए तुम्हें कंबल देने आई है। मुझे लग रहा था मैं इस ठंडी में बच नहीं पाऊंगा, तुमने मुझे कंबल दिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।
तुम्हें जो पसंद नहीं था वो मैंने किया, इसलिए सॉरी। मुझे पार्टी के नाम से केक काटना, भरे हुए पेटों को भरना, पैसे बर्बाद करना, ये सारी बातें मुझे पसंद नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। शादी होने के बाद भी क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? तुम्हारे पति को कोई ऐतराज नहीं होगा तो इससे अच्छा करूंगा। क्या कहा? मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम्हारे पिताजी शादी के लिए मानेंगे? यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर एक काम करते हैं, एक महीने व्याग्रा खा के मेहनत करके तुम्हें पेट से कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे बाप का बाप मान जाएगा। हाँ, पहले मदन ने भी ऐसे ही बोला था, तो प्रेग्नेंट हो गई थी, कोई फायदा तो हुआ नहीं, अबॉर्शन कराना पड़ा और उसने शादी भी नहीं की। क्या कहा? तुम पहले भी ये ट्रिक अपना चुकी हो। मैं यहाँ हूँ, वहाँ कौन है? तू कहाँ है रे? मैं लुम्बिनी पार्क में। वहाँ पर तो घास भी नहीं है, क्या कर रहा है? गाँव से मेरी नानी आई है, मैंने सोचा उन्हें पार्क दिखा दूँ, तो इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। ठीक है, तेरी एक नानी यहाँ भी आई है। कौन? शीला है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? रीटा। रीटा है कोई? रीटा है, बोर हो गया इसलिए छोड़ दिया। ऊपर से वो शॉपिंग मॉल से कम थोड़ी है, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ये खरीदो वो खरीदो, मेरे एटीएम में सारा पैसा खा गई। किसी रेस्टोरेंट में ले जाओ तो फैमिली के लिए अलग से पार्सल पैक करा के लेके जाती है, टूथपिक सोप भी नहीं छोड़ती है, बहुत बड़ी चुड़ैल है। रातों रात जिम बेचकर जिम्बाब्वे में चला गया ऐसा बोलकर उसे वहाँ से भगा दो। ये एहसान अगर तुम मेरे ऊपर करोगे तो मैं तुम्हारा पगार अगले महीने से 2000 रुपए बढ़ा दूंगा। मंजूर है, भगा देता हूँ। कुछ सुना क्या? सब सुनो। मतलब तुम हो तो दूसरी का क्या करना है, इसलिए कल दूसरी मिलेगी तो मुझे भी छोड़ दोगे ना? डाउट है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्यों कट करूंगा? तुमने क्या बोला? मैं कुंवारी माँ और तुम कुंवारे बाप। तुम तो बहुत ही घटिया आदमी हो, और कितनों को धोखा दोगे? दोबारा कभी मुझे यहाँ दिखाई दिया ना तो तेरी लाश जूहू बीच में तैरती नजर आएगी, समझा? गधा कहीं का। माँ, एक्सक्यूज मी, थोड़ा ऊपर उठाइएगा। आप गलत मत समझिए, मुझे ऊपर उठाइए। माँ, बस बस बस, बहुत दर्द हो रहा है। थैंक यू बेंची। रीटा, वहां से भगाने के लिए कहा तो यहाँ भेज दिया फिटिंग मास्टर ने। एक्चुअली नमस्ते। नमस्ते साहब। ये क्या बॉस, वॉचमैन को नमस्ते कर रहे हो? हमसे डर के दरवाजा खोला ना इसलिए। यहाँ भी हम लोगों को कोई भाव नहीं दे रहा बॉस। अभी देंगे। बाप रे, मर गया। चर्बी उतर गई? उतर गई। Tell me, what can I do for you? हिंदी में बोलो। इंग्लिश नहीं आती? बॉस से मजाक किया तो हड्डी तोड़कर एक कर दूंगा। बॉस, वो कौन है? बॉस मैं हूँ। अरे बता, अरे बता, मुझे अपना बाजा खुद ही बताना पड़ेगा क्या? कौन है बॉस? हम बजाते हैं आपका बाजा। ए, ये कौन है पता नहीं तुझे? बॉस इज द बॉस, चिकनपल्ली एरिया का दादा। ये तो एशियन पेंट का टिंगू मॉडल लग रहा है, ये कहाँ का दादा है? ये हमारा बॉस ऐसा ही है, ऊपर से देखने में बकरा, अंदर से ब्लैक कोबरा। कल शांति कॉलोनी में वरुण नाम के लड़के को किसने मारा? किसने? हमारे बॉस ने। इसने? इसे भी यकीन नहीं हुआ क्या? अबे असिस्टेंट हो, मैं कॉमेडियन दिखता हूँ क्या? कितना डेंजर किलर हूँ कोई मानता ही नहीं। वहाँ पुलिस वाले नहीं मान रहे थे, यहाँ ये छोकरा नहीं मानता है, मैं क्या करूँ? एक्सरसाइज करके बॉडी बन जाएगी बॉस। फ्यूचर में अगर पुलिस मारेगी तो बॉडी डैमेज ना हो इसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ओह वेरी गुड माय बॉयज, कम ऑन। हेलो। Yes. ये हिलते डुलते तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पहले फीस भरो। नहीं भरा तो तीनों के पिछोड़े पे लात मार के बाहर फेंक दूंगा। सच में? करके दिखाऊं? क्या करेंगे बॉस, पैसा भरे या बाहर हो जाए? तुम लोग पैसा भरो, मैं डंबल मारता हूँ। ये भी ना पीछे ही पड़ गई है। हेलो, मैं बोल रही हूँ, मेघना। वो तो फोन आते ही समझिए, काम बोलो। तुमसे मिलना चाहती हूँ। बोलो। अचानक आकर पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगी? ठीक है, अच्छी तरह से सोच लो, मैं 15 मिनट में स्विमिंग करके आता हूँ।
मजा आ रहा है। हाय। अरे समझ में नहीं आता क्या? उस तरफ जाओ ना, मुझे इससे कुछ बात करनी है। ओके। संपत क्या है? आई लव यू। ऑलरेडी एक बार पहले भी बोल चुकी हो। वो झूठ था, ये सच है। सभी मर्द एक ही जैसे होते हैं ऐसा सोचा था मैंने। सोचा मेरी खूबसूरती देखकर तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे, पर मैं गलत थी संपत। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। देखो तुम्हारा प्यार सच्चा या झूठा ये सब मुझे नहीं पता, मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी। ओहो इतना गहरा है क्या? हाँ सर 12 फीट। मैं सच कह रही हूँ। तो एक काम करो, अपने प्यार के बारे में माँ बाप को बताओ और परमिशन लेकर आओ। प्यार करने के लिए परमिशन क्यों मांगू? क्यों, पिक्चर के लिए पार्टीज में जाने के लिए परमिशन नहीं लेती? वो दूसरी बात है, प्यार करने के लिए परमिशन मांगूंगी तो क्या वो देंगे? अभी प्यार के लिए परमिशन नहीं देंगे तो कल शादी के लिए कैसे परमिशन देंगे? वो नहीं मानेंगे तो हम भाग जाएंगे। एक मारूंगा तो दिमाग सही हो जाएगा। मेरे जैसे अनाथ लड़के के लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगी क्या? तुम्हें चींटी भी काटे तो उन्हें बिच्छू काटने जैसा दर्द होगा। तुम्हें कुछ तकलीफ होगी तो पहले रोने वाले वो लोग होंगे। अगर तुम मरोगी तो तुम्हारा पति तुरंत दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप इस दुख से ही मर जाएंगे। पहले उनसे प्यार करना सीखो। What? प्यार करने के लिए पेरेंट्स की परमिशन चाहिए? सुनने में नया लग रहा है। तुम्हें नया लग रहा है? मेरी नैया डूब रही है। अरे पैसे वाली खूबसूरत लड़की अपने आप आकर आई लव यू बोले तो कोई भी लड़का खुशी से उछल पड़ेगा। इस वीकेंड कौन से रिसोर्ट जाएंगे, किस पब में जाएंगे ये पूछेगा। और ये पागल तो परमिशन लेकर आओ, ग्रीन सिग्नल लेकर आओ। ये तो उसने जो कॉन्सेप्ट बताया है अगर वो फॉलो करेंगे तो आर्य समाज रजिस्टर्ड ऑफिस सभी जगह ताला लग जाएगा। अजीब सा कैरेक्टर है उसका, इसीलिए तो उस पर मर रही हूँ। हाय। अरे जिम ओनर, ये फिटिंग मास्टर के बदन में करंट नहीं है क्या? अरे तुम करंट की बात कर रही हो, पूरा पावर प्लांट है संपत। पीछे पड़ी हो फिर भी भाव नहीं दे रहा है। बड़े घर की लड़कियों से डरता है। अरे कोई समझदार पेरेंट्स प्यार करने के लिए परमिशन देंगे क्या? अगर लव स्ट्रॉन्ग है तो ट्राई कर सकते हैं। कैसे? तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है क्या? एक भाई है। तुमसे प्यार करता है? बहुत ज्यादा, लेकिन वो US में है। ये सब बता के उसे बुलाइए, आपके प्यार को समझ के आपके पेरेंट्स को कन्विंस कर देगा। गुड आइडिया, तो भैया को तुरंत US से बुलाती हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? लॉरी से टकरा गया। अरे लॉरी का तो कबाड़ा निकल गया होगा। मैं नहीं, मेरा बाप टकरा गया। जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। ये तुम्हारा बाप है? इस बाप पे मुझे भी शक है ना। पहले आप ही ने बचाइए डॉक्टर साहब, इस बात पे बाद में डिस्कस करेंगे। सॉरी, एक घंटा पहले लेकर आते तो बचा सकता था। एक्सीडेंट हुए, आधा घंटा हुआ है तो एक घंटा पहले कैसे ले आता? कदे पक्का ये तुम्हारा बाप नहीं है, मैं जाता हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? ये मेरा बाप नहीं है। साइकिल से नहीं, लॉरी से टकराया। किसी से भी टकराया, मर गया ये। मार दिया रे, जोर से मत खींचो। अरे जान निकाल दी मेरी। ये लड़का कुबड़ा है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, टकराया। डॉक्टर को सच बताना चाहिए, लड़की ने मारा। जब से इसने मार खाई है तब से ये सीधा खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। डोंट वरी, इसके लिए मेरे पास एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। जल्दी करके इसे उठा दीजिए ना। अबे उठाने का मतलब ऊपर नहीं, सीधा खड़ा करना। ट्रीटमेंट करने को बोला तो फोन कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे होंगे। ओह बेबी, कल किसी को मारा था, उसकी कमर भी तोड़ दी थी ना, दांत भी तोड़ा था, फिर ये नहीं है। मेरी बेटी ने कल ही किसी की ढुकाई की थी, अगर वो तुम होते तो मैं तुम्हारी वो वाली नस भी काट देता। एक बात बताओ, जब तुम्हें ट्रीटमेंट करना है तो फोन किसको कर रहे हो? वहाँ जाके दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। ठीक है जी, जल्दी ट्रीटमेंट कर दीजिए। जो बोला वो करो। तुम लोग रुको, मैं इलियाना, जरा केबिन में आना। इलियाना यहाँ। इतनी जल्दी सर? उसके लिए नहीं, पेशेंट आया है। उसके लिए नहीं का मतलब वही हुआ ना सर? मेरा पर्सनल मैटर है, तुमसे मतलब। यस डॉक्टर। इलियाना। जो शट अप, मेरा काम हो गया, यू मे गो। उसको जाने दो, इधर देखो। अरे मेरा कुबड़ ठीक हो गया। या या। ये क्या डॉक्टर, ये कौन सा ट्रीटमेंट है? ये लो पति, होम्योपैथी की तरह नहीं है, फीस देकर जाना। ओ, आपको या नर्स को? चारा, मुझे। डोंट बैंड टुडे, नो बैंड। ओके आप लोग जाओ, मैं उठा लूंगा। ओके ओके। क्या हुआ डॉक्टर? अब मेरी लग गई। इलियाना, श्री देवी, कटरीना, ये सब मेरे हॉस्पिटल में मुझे पता ही नहीं। हेलो, मैं मेघना बोल रही हूँ। तुम्हारा नाम जानता हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, काम बताओ। एक गुड न्यूज है। प्याज का भाव कम हो गया क्या? छी, नहीं, मैंने अपनी प्यार की बात डैडी को बताई। क्या हुआ, मना कर दिया ना? उन्होंने तुम्हें बुलाया है, एक दिन तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगी।
अगर परमिशन मिल गई ना तो अपना लव अफेयर शुरू हो जाएगा ना। मुहूर्त निकाल के बताऊंगा। क्या हुआ संपत? उसके माँ बाप मान गए यार। मतलब राजीव आ गया क्या? वो जरूर आएगा। तो तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया क्या? हाँ, आएगा तो उसे रूम में बंद करके रखूंगी। तो तुमने संपत से झूठ बोला ना? पहले उसे जाल में फंसा के अपने बस में कर लूंगी, बात की बात बाद में देखेंगे। रुक क्यों गई? आ? परमिशन मिली या नहीं ये बात कंफर्म करने के लिए आया था। तुम भी ना जिंदगी भर फिटिंग मास्टर ही बने रहना। What is this, Meghna? ये लड़का सचमुच अच्छा है, डायरेक्ट घर आके सब कुछ बताया। अगर ये चीटर होता तो तुम्हारा क्या होता? ये अच्छा है इसलिए तो इससे प्यार करती हूँ। Shut up, you fool! रुकिए सर, आप इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो मेघना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या सोचकर? बचपन से तुमने कोई तकलीफ नहीं देखी है, गाड़ियों में घूमी हो, एसी में सोई हो, बंगलोज में रही हो। मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। मुझे सब नहीं चाहिए। ये सब आप सोच रही हो। एक महीना मेरे साथ भाड़े के घर पे रहोगी, स्टोव पर पंप मार के खाना बनाओगी, रात को मच्छर मारोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने इस गरीब से शादी करके कितनी बड़ी गलती की। पैसे से खुशियां नहीं मिलती। बहुत सी खुशियां पैसों से ही मिलती है। तुम्हारे पढ़ाई पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। सडनली अगर तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन करेगा तो 2 मिनट में यहाँ पर आइसक्रीम आ जाएगी, लेकिन मेरे पास 2 दिन तक सोचना पड़ेगा। रोज एक नया ड्रेस खरीद सकती हो तुम, लेकिन मेरी तो साल में एक ही ड्रेस खरीदने की औकात है। मेरी 1 साल की कमाई तुम्हारे 1 महीने के कॉस्मेटिक के बराबर नहीं है। मुझे वो सब नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। हमें मिलकर 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन ये तुमसे 20 साल से प्यार कर रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो ये दोनों मर जाएंगे। इन दोनों के प्यार से बड़ा है तुम्हारा प्यार? मैं नहीं तो कोई दूसरा मिल जाएगा, लेकिन दूसरे माँ बाप नहीं मिलेंगे, याद रखना। हाय मॉम। हाय डैड। 2 साल के बाद अमेरिका से वापस आया और आप लोग एयरपोर्ट भी नहीं आए, कोई प्रॉब्लम? छोटी सी प्रॉब्लम है, मेघना का लव मैटर ना। तुम्हें फोन किया था उसने, कहाँ है वो? मेघना भैया। हे, क्या बच्चे की तरह रो रही है? हाँ बताओ क्या हुआ तुम्हें? उस लड़के से तुम्हारी शादी करवानी है, यही ना? डोंट वरी, मम्मी डैडी को मैं मना लूंगा। पर वो फिटिंग मास्टर नहीं मान रहा है ना। उसे भी कन्विंस करता हूँ ना। उसका नंबर क्या है? हेलो, मैं मेघना का भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। आपसे मिलना है मुझे, बताइए कहाँ मिलना है, वहीं आकर मिलता हूँ आपसे। दोपहर 2 बजे दुर्गा तालाब के पास मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी। मैं किसी भी तरह से मना लूंगा। थैंक यू भैया। एक्सक्यूज मी, संपत आप ही हैं ना? मैं ही हूँ। हाय राजीव, मेघना का भाई। बोलिए। मेरी बहन से प्यार करते हो ना? मैं नहीं करता हूँ, तुम्हारी बहन करती है, पहले ही बोला था। एक ही बात है, उसके साथ तुम्हारी शादी हो मुझे पसंद नहीं, और मम्मी डैडी को भी नहीं। मम्मी डैडी ने तो इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। वेरी गुड। इट्स नॉट गुड, इट्स बैड फॉर यू। तुम जिंदा रहोगे तो वो तुम्हें नहीं भूल पाएगी, मर गए तो कुछ दिन रोएगी और फिर तुम्हें भूल जाएगी। बाद में हम जिससे कहेंगे उससे शादी कर लेगी, उसके लिए तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुमने फोन किया तभी समझ गया ऐसा ही कोई ट्विस्ट होगा, इसलिए तुझे इस सुनसान जगह पर बुलाया। तू है? तू कल से मुझे मारने की सोच रहा था। मैं 2 साल पहले वैजाक से यहाँ आया हूँ तुझे मारने के लिए। तेरा टाइम अच्छा था इसलिए तू अमेरिका भाग गया, तेरा बैड टाइम आ गया है इसलिए वापस आ गया। बैड टाइम मेरा नहीं आया है, तेरा आया है, इसीलिए अमेरिका से वापस आया मैं। तू आया नहीं है बच्चों,
मैंने बुलवाया है। तुमसे प्यार करता है? बहुत ज्यादा, लेकिन वो यूएस में है। ये सब बता के उसे बुलाइए, आपके प्यार को समझ के आपके पेरेंट्स को कन्विंस कर देगा। गुड आइडिया। तेरा प्लान तो बहुत अच्छा था रे, लेकिन फेल हो जाएगा। ये लाइसेंसी रिवॉल्वर है, तुझे मार के मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। अपनी बहन से मेरी शादी करवाओ। मैंने मना किया तो मुझ पे अटैक कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुझ पे गोली चलाई। केस क्लोज। कुछ बढ़ा क्या? हाँ बढ़ गया, आपका पेट बढ़ गया बॉस। एक लपड़ दूंगा, अबे वो कम होना चाहिए बे। इट्स ओके, आज से एक्सरसाइज एक मिनट ज्यादा करूंगा। 60 सेकंड ज्यादा? यस। आपको बहुत तकलीफ होगी बॉस। अबे तो तुझे क्यों दर्द हो रहा है? मम्मी आई कहाँ है? मम्मी है, फूट गया, टूट गया। बॉल तो ठीक ठाक है। तेरी तो। अबे सिक्सर किसने मारा बे? मैंने। अबे वो बॉल आके कहाँ लगी पता है तुझे? अबे सबको पता है कहाँ लगी, बॉल वापस कर। नहीं दिया तो सीटी बजाऊंगा। सीटी मारना मुझे भी आता है, दिखाऊं क्या? अच्छा तो मार के दिखा। ये छटंकी कौन है बे? मेरी टीम इंडिया। बॉल देता है या तेरी बैटिंग करके विकेट गिरा दूं? ठीक है ठीक है, इज्जत से मांग रहे हो इसलिए दे रहा हूँ। ले जाओ दूर जाके खेलो। चल। बैड लक यार, कॉम्प्रोमाइज कर लिया इसने, नहीं तो इसके साथ 20-20 खेल सकते थे। ये क्या बॉस, आप तो गली के चिल्लरों से डर गए। अरे दो घुमा के मारने का था। मारेगा? जमार जमार, मुझे समझ में आ गया उनका पावर क्या है। एक सिक्सर इधर भी दे। अबे तुझे भी सिक्सर चाहिए क्या? नहीं बॉस, फ्रेश होने के लिए पास की पहाड़ी पे गया था, वहाँ किसी की फ्रेश लाश पड़ी है।
गुड न्यूज माई बॉय, थैंक यू, कॉल द पुलिस। सर कब हुआ ये? 4:30 सर। तू इधर ही था क्या? हाँ? नहीं सर। एग्जैक्ट टाइम बताया ना इसलिए शक हुआ। एनी क्लूज? नहीं सर। सर्च। अरे क्या हो रहा है, सब जगह ढूंढ रहे, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अभी ध्यान देंगे बॉस। कौन है रे, भोपाल गैस फिर से लीक हुई क्या? तुम लोग हैंडसअप बोला क्या जो तुम लोगों ने हाथ उठा लिया? आपके बोलने से पहले ही उठा लिया है। गैस छोड़ोगे तो हैंडसअप क्यों बोलूंगा? अच्छा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपको देखकर छिप गए थे। वो क्यों? मर्डर करने वाले छुपेंगे नहीं तो क्या, खोले हम पब्लिक में घूमेंगे। जीजू मर्डर किया है तूने? हाँ, उसे डेड बॉडी मैंने बनाया है। ए, मैं तुझे क्या बिल्कुल पागल दिख रहा हूँ क्या? हमें मालूम था, हम बताएंगे तब भी आप नहीं मानेंगे। आइए देखते हैं, लाश के पास कोई ना कोई सबूत हमारे खिलाफ मिल ही जाएगा। अरे इनको ढूंढने में टाइम लगेगा, हम लोग मदद करते हैं। चलो चलो। ये रहा मेरे बॉस के शर्ट का बटन, मर्डर करते समय गिर गया होगा। बॉस, आपने जो विजिटिंग कार्ड गिराया था वो तो मिल ही नहीं रहा है। मैं ठीक से देख, वहीं कहीं होगा। मिल गया। इसे ध्यान से देखो, हमारे बॉस का विजिटिंग कार्ड, इसका मर्डर करते समय हमारे बॉस के जेब से गिर गया होगा। बॉस इज द बॉस, गुंडो का मसीहा और क्रिमिनल। बेवकूफी किए बगैर जो भी तुम्हारे सबूत हैं वो लेकर यहाँ से खिसक जाओ। मिस्टर इंस्पेक्टर, ऑलरेडी एक केस में छोड़ चुके हो, अगर इस बार इस केस में नहीं पकड़ा और हमें ले जाकर जेल में नहीं ठूसा तो मानवाधिकार में जाऊंगा, अन्ना टीम से भी लूंगा, अपने खूनी होने के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। ये गन क्यों निकाल ली? मर्डर करने वाला मिले तो स्पॉट में ही एनकाउंटर करने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिला है। गुड जीजू, बॉयज निकल लो। इडियट्स। भैया मान गया वो? मेघना मैं हूँ। ओह हाय संपत, भैया से मिले क्या? नहीं। तुमसे मिलने के लिए दुर्गा तालाब गए थे वो? वहाँ मिलने वाला था लेकिन एक अर्जेंट काम की वजह से यहाँ से निकल नहीं पाया। फोन करके बताना था लेकिन नंबर नहीं था। मैं भैया को बताती हूँ। भैया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा भैया नहीं बोल रहा हूँ, सीआई सिंधे बोला। उनका फोन आपके पास कैसे आया? सॉरी टू से दिस, आपके भाई का किसी ने मर्डर कर दिया। कंट्रोल प्लीज। सर जी आप अपने आप को संभालिए और हमें कोऑपरेट करिए। आपके बेटे की किसी से दुश्मनी थी क्या? 2 साल बाद आज ही अमेरिका से लौटा था वो। इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? जहाँ तक मुझे पता है कोई भी नहीं है। फिर ये ऐसी सुनसान जगह पर अकेले क्या करने के लिए आया था? संपत से मिलने यहाँ आए थे। ये संपत कौन है? उस दिन बस में जिसने मारा था ना वो। वो लड़का, उसका और तुम्हारे भाई के बीच में क्या संबंध है? मेरी शादी की बात करने के लिए भैया संपत से इस जगह पर मिलने आए थे लेकिन संपत नहीं आया। तुम्हें कैसे पता है? उसने मुझे फोन पर बताया। वेंकटेश राज सर, उसे तुरंत पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ओके सर। नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? चिड़िया जाल में फंस गई। निकलेगी कैसे चिड़िया जाल में फंस गई? ये गाना किसने लिखा है? सलीम सर। फिल्में ज्यादा देखते हो क्या? कभी कभी। राजीव मर गया पता है ना? पता है। कैसे? टीवी पर देखा था और रेडियो में भी सुना था। इस बात को कौन नहीं जानता कि उनकी मृत्यु 1991 में हुई थी। मैं सोनिया जी के हस्बैंड राजीव गांधी जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मेघना के ब्रदर राजीव के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह ये क्या, तुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ? मरने वाला मेरा भाई नहीं है ना? ब्रदर इन लॉ तो होने वाला था। मुझे नहीं लगता। तो वो तुम्हें जानता था? नहीं, फोन करके मिलने वाला था। मिला क्या? नहीं तो। तू झूठ बोल रहा है। डाउट हो तो आप आईजी के पत्नी से पूछ लीजिए। उसका इससे क्या लेने देना है? उसी समय वो हमारी जिम पर आई थी इसलिए मैं राजीव से मिल नहीं पाया। टाटा, तू बच गया, गुड बॉय, अब निकल ले यहाँ से। थैंक यू।
जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जिसकी करनी होगी वो तो सामने आके रहेगी। लेकिन ये किसका है? शायद जावेद जी ने लिखा है सर। मैंने इससे पूछा क्या? नहीं सर। तो फिर इसने क्यों जवाब दिया? उससे पूछ क्या हूं सर। सर, राजीव रेगुलरली वरुण और सीडी बालू के टच में था, फोन बिल से ये पता चलता है सर। यहाँ के तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब गेम बहुत बड़ा है। नहीं सर, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पायरेसी कर रहा है? बिल्कुल नहीं, राइट्स खरीदे हमने। तो कुछ भी करना, लेकिन जयकांत शिर्के का ईगो हर्ट नहीं करना, समझ गया सीके पांडू? ये डायलॉग इसी पिक्चर का है ना? इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, इसी फिल्म का ये डायलॉग। ये पिक्चर मेरी बीवी को बहुत पसंद है, इसी चक्कर में उसने 3-4 सीडी खराब कर दी है। तू सच बताएगा या मार खा के बताएगा? माँ कसम, मैंने पायरेसी का धंधा छोड़ दिया। पायरेसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वरुण राजू के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे हुआ? वो मेरे भाई के साथ विरार में पड़ता था, इसलिए फोन करता होगा बस। तुम्हारा भाई कहाँ है? दुबई में। यहाँ होता तो मर जाता, इसलिए दुबई भेज दिया। वहाँ बिजनेस कर रहा है। वो जैसे ही आता है मेरे पास तुरंत भेजो। अरे गिरी, तुम वापस क्यों आ गए? वरुण और राजीव को किसी ने मार दिया भाई। जानता हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम वापस आ जाते और वो तुम्हें ही मार डालता। कौन है वो? तुम्हें पता होना चाहिए। वो हम तीनों से बदला लेना चाहता है, वो जरूर संपत्ति होगा। ये संपत्ति कौन है? भैया वो विरार में जब हम पढ़ते थे ना, वही वाला। तुरंत तुम दुबई वापस चले जाओ। नहीं, उसने मेरे दोस्तों को मारा है, मैं भी उसे मारूंगा। रे, ये बार है, यहाँ चाय कॉफी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या मिलेगा? बियर ब्रांडी और विस्की मिलेगी। ठीक है, एक एक पैक मार लो। दास, मुझे थप्पड़ मार। मैं आपको कैसे मारूं? अरे मारना यार। सपना नहीं है, यकीन हो गया। वो गिरी दुबई से इंडिया आ गया, वो ऐसी जगह पर मिलेगा। ओ, ये बात है। शक ना हो इसलिए कुछ ऑर्डर करो। ठीक है, करते हैं। ए वेटर, दो प्लेट गिरी भेजो। अरे बॉस, दो बियर देना। चीयर्स।
तूने सॉरी दोस्त क्या सॉरी हाँ क्यों मारा गलती से गिरेगा तो मारेगा क्या ए मार डालूंगा अभी बता ए चल ए तू सीरियस हो गया भाग रुक अरे बचा मैं जाता कहां है बहुत दर्द हो रहा है तुम क्या झंडू बम लगाओगे बहुत उड़ रहा था ना अब मारो से ए चल अबे तो फिर सीरियस हो गया सर आपका फोन हेलो सर आप जल्दी आइए यहाँ बहुत दंगा हो रहा है बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ छोड़ो मुझे अरे भाई अरे भाग रहा है वो देख वो भाग रहा है बता क्या हुआ यहाँ पे मुझे मारने की कोशिश कर रहा था सर तू मार रहा था क्या मैंने साहब ये नहीं है सर तो फिर कौन है वो सर पता नहीं सर वो आपको देखते ही भाग गया तो कौन है मेरा नाम गिरी है पांडू का भाई हूँ ओह तो तू ही गिरी है दुबई से वापस कब आया आज ही आया आते ही तुझ पे अटैक हो गया क्यों हुआ नहीं जानता तुझे पता है ये मैं जानता हूँ बताना ना बताना तेरी मर्जी लेकिन एक बात सच है वो मामूली आदमी नहीं है लेकिन बहुत जल्द तेरे फोटो पर हार चढ़ जाएगा आपका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर वो मिल गया तो आप उसे मार देंगे मेरा एक लौता बेटा था सर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था हो सकता है आपके बेटे ने किसी का कुछ बिगाड़ा हो सीआई साहब
आपका बेटा विदेश जाकर वापस आने वाला कोई स्वामी विवेकानंद नहीं है। जरा मस्ती, जरा धूम। 2 साल के बाद वापस आने वाले तुम्हारे बेटे को काटने वाले सांप के घाव कितने गहरे होंगे तुम्हें पता है? कोई अंदाजा है? आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं सर। बहुत जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा। मुझे सिर्फ एक बार आपके बेटे का रूम चेक करना है। लड़की कौन है? पता नहीं। मैं पता कर लूंगा। तुम्हारे भाई के केस का जल्द ही शटडाउन हो जाएगा। ओह, तुम अचानक यहाँ कैसे? मेरा तुमसे मिलने का मन किया। आओ, बैठो। ये क्या है? खाना तुम्हें बनाना पड़ रहा है? क्यों? आदमी खाना नहीं बना सकते क्या? वो बात नहीं है। घर में कोई और नहीं है क्या? इस दुनिया में नहीं है। Sorry. It's okay. बताओ तुम क्या लोगी? कॉफी, टी? कुछ नहीं। पहली बार आई हो, कॉफी बना कर लाता हूँ, तब तक यहीं बैठो। ऐसे क्या देख रही हो? ये फोटो मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बहन और तुम्हारा दुश्मन। हेलो, बिना सबूत छोड़े मर्डर्स करके खुश हो रहे हो? मैंने किसका मर्डर किया है? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। कौन हो तुम? तुम्हें दुर्गा तालाब पर मर्डर करते हुए मैंने देखा है। इकलौती गवाह हूँ मैं। जब राजीव को मार रहे थे तो मैंने अपने सेलफोन से सब शूट कर लिया है। तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपए। अगर मोबाइल चाहिए तो पैसा लेकर सेम स्पॉट पर 1 घंटे में पहुंच जाना। तुमसे फोन पे बात करने वाली मैं ही हूँ। पैसे लाए हो? हाँ। तुम हो? मतलब मेरे भैया का खून तुम ही ने किया है ना? हाँ। मारो मत, बाद में पछताओगी। किसी आदमी को मारने का तुम्हें जरा सा भी पछतावा? आदमी? वो एक पागल कुत्ता था, उसे मारना कोई गुनाह नहीं है। राजीव तुम्हारा भाई है, इसलिए तुमसे दोस्ती की। मैंने उसे यहाँ बुलवाया था उसे मारने के लिए। ऐसा उसने क्या कर दिया था? पता चलेगा तो उसे भाई बोलने में तुम्हें शर्म आएगी। मेरा भी एक गांव था, पिताजी वहां हेडमास्टर थे, माँ हाउसवाइफ थी, बहन संध्या इंजीनियरिंग कर रही थी। छीछी, स्टूपिड, इडियट्स। क्या हुआ बेटी? पड़ोस वाले लड़के जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। घर का मालिक यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए वो लोग पीकर इतना उधम मचा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी वार्निंग देके आता हूँ। सुनो बेटा। हेलो, क्या हुआ? थोड़ी इसकी आवाज कम कर लो बेटा, हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा तो हम क्या करें? ऐसा मत करो बेटा, मेरी बेटी का एग्जाम है, उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या करें? बेटी पेट से हुई तो डरते हो, लेकिन एग्जाम फेल हुई तो क्या होगा? मार्च नहीं तो सितंबर में पास हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी बेटी के लिए साउंड कम करें क्या? चलो निकलो।
कुर्सी से कंटिन्यूटी कैरेक्टर मिस है, कहाँ है वो? दारा सिंह बन के बड़ों से उसे मारपीट करने गए हैं। ट्यूशन फीस की वसूली के लिए? हे भगवान, बड़ों का आदर करना ही भूल गए। क्या हुआ पिताजी? हे कौन है रे तू? पड़ोस में रहता हूँ। म्यूजिक क्यों बंद किया? मेरी बहन पढ़ रही है। तेरे बाप को समझाया था, अब तुझे भी समझाए क्या? मुझे समझाना तुम्हें भारी पड़ेगा। ए, अड़ोस पड़ोस वालों में से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है? इस पूरे मोहल्ले में तेरी बहन पढ़ती है क्या? चल हट। पियो, डांस भी करो, लेकिन जो भी करना है क्लब में करो, यहाँ सबको डिस्टर्ब मत करो। अगर फिर से कोई साउंड आया तो तुम्हारा साउंड बंद कर दूंगा। अरे बेटा, उन लोगों की पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई, तुमने कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया? नहीं पिताजी, शांति से समझाया। मैंने भी तो शांति से ही समझाया था। एज डिफरेंस है ना, आपके समझाने में और मेरे समझाने में फर्क है। अब तुम्हें कोई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति से पढ़ाई करो। इंटरव्यू के लिए गए थे ना, क्या हुआ? जॉब मिल गई, जिम कोच की। अच्छी बात है, इनके रिटायर होते ही तुझे नौकरी मिली। पगार 10,000 तो होगी? 10,000 नहीं, 15,000 है। कांग्रेट्स भैया, मुझे एक पार्टी चाहिए। ओके। तुम्हें सुबह मोबाइल लाने के लिए कहा था ना? हाँ लाया हूँ। वेरी गुड। इतने बूढ़े हो गए हो, तुम्हें सेल फोन की क्या जरूरत पड़ गई? अगल बगल की भाभियों को SMS करूंगा और क्या। हाँ हाँ। अरे मेरी बुलबुल, ये मेरे लिए नहीं है। मैं इसका क्या करूंगी, मैं तो दिन भर घर पे रहती। सही कहा, लैंडलाइन फोन तो उठा नहीं सकती, मोबाइल का क्या करोगी? चलो हटो। ये तो मेरी प्यारी बेटी के लिए है। थैंक यू डैडी। कॉलेज जाती है, सेल फोन लेके क्या करेगी? अरे लड़की है, ये अकेले कॉलेज जाती है, सेफ्टी के लिए है। ये जितने काम का है उतना फालतू भी है। हाँ। इसका मिसयूज मत करना संध्या। ये मेरी बेटी है, समझा? क्या सच में? तुम्हारे पिताजी की कसम, मैं तो इसे अपनी बहन समझ रहा था। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? कल मेरा बर्थडे था, फ्रेंड्स ने पार्टी के लिए फोर्स किया तो पार्टी करनी पड़ी। आपके भाई ने आकर समझाया, तब पता चला हम क्या गलती कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। It's okay. आपने माफ कर दिया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। आप कौन से कॉलेज में हैं? गीटन्स। अरे गीटन्स में? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मतलब आप अब भी मुझसे नाराज है? नहीं ऐसी बात नहीं तो है। आपको मुझसे लिफ्ट लेनी पड़ेगी, आइए। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देखेगा तो क्या, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। बैठो। हेलो, कॉलेज आ गया। ओह सॉरी, शाम को मिलते हैं, बाय बाय। शोकाग्नि, ये स्वर संधि है। धन और आर्जना, ये भी स्वर संधि है। ओके। I'm coming. जनार्दन, कहाँ जा रही हो? वो डैडी, मैं छत पर पढ़ने जा रही हूँ। दीपावली। संध्या, पापड़ सुखाने जा रही हूँ, देखना कोवे चोश ना मारे। ठीक है माँ।
संपत, संपत रुको, अरे रुको, अरे रुको, रुको संपत, आप पीछे हटिए, रुक जा, क्या मारा इसे, मारूंगा नहीं, मार डालूंगा, फिर से मेरी बहन की तरफ देखा तो, अपनी बहन से पूछ, ये जो बोल रहा है वो सच है, नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, संध्या सच बताओ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तूने सुना नहीं? गलत काम करके मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम लोगों को ये वार्निंग देता हूँ, अगर कल तक इस एरिया में दिखे ना तो उसके बाद तुम लोगों को दुनिया से गायब कर दूंगा। चल अंदर। क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, वो रिंगटोन। लाओ मुझे दिखाओ। नहीं भैया। फोन मुझे दो। भैया की डर से सच नहीं बोल सकी, I'm sorry। मतलब उसने जो बोला वो सच था? तुम कितनी और तुम्हारी उम्र कितनी? तुम अभी से तुम कद? क्या बेटा क्या चल रहा है? पिताजी कल की बात से ये डर गई इसलिए इसको समझा रहा हूँ, डरो मत कुछ नहीं होगा। डरने की बात नहीं है बेटी, पिताजी ने ये सेल फोन खरीद कर दिया तुम्हारे अच्छी बुरी की जानकारी रखने के लिए, इस तरह से प्यार का नाटक करने के लिए नहीं। तुम इन लोगों को सर झुकाने के लिए मजबूर मत करो, अपने आंखों के ऑपरेशन वाले पैसों में से तुम्हें सेल फोन खरीद कर दिया और तुम उनकी आंखों में धूल झोंककर प्यार का नाटक कर रही हो। उसे भूल जाओ, मैं भी ये बात भूल जाऊंगा। अगर दोबारा उससे बात करोगी या उसके बारे में सोचोगी तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। सॉरी। क्या सॉरी? सबके सामने मेरी बेइज्जती करा के तुम आके सॉरी बोल रही हो? उस समय क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा था गिरी। नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार भी नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है मुझे। तुम क्या जानती हो सच्चा प्यार क्या होता है? तुम्हें तो झूठ बोल के धोखा देने वाले चाहिए। जाओ अपने परिवार के साथ रहो, जाओ। ए, इसके भाई का गुस्सा इस पे क्यों उतार रहा है तू? तुमसे प्यार करती है इसलिए सॉरी बोलने आई है। मुझे नहीं चाहिए इसकी सॉरी वॉरी, आज अपने भाई के डर से बोलती है प्यार नहीं करती हूँ, कल अगर इससे मेरी शादी हो गई अपने भाई के डर से मुझे छोड़ देगी, मैं तो देवदास बन के पागल हो जाऊंगा। छह, संध्या ऐसे नहीं करेगी। तो कल ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कल ही? देखा ना तुमने। अरे सुनो तो, कल के कल शादी के लिए बोलोगे तो? कल नहीं तो किसी दिन तो करनी पड़ेगी, तब तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे क्या? इसका भरोसा है तुम्हें? नहीं है। इसलिए कल ही शादी करेंगे। बिल्कुल सही बोला इसने, ये तुम्हारे भैया को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें कुछ सोचना होगा वरना तुम्हारी शादी हेडमास्टर या ड्रिल मास्टर से करा देंगे। एक बार तुम दोनों की शादी हो गई ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। संध्या सुनिए, सुनिए जी, संध्या घर पे नहीं है। घर से फोन आया। हेलो, ए जल्दी करना, जल्दी न्यूज पढ़ना। रुक रे, ए जल्दी पैंट लेकर आना, टीवी में सिर्फ कोटी दिखेगा, ऐसी बैठ जा। ये क्या, लड़की होती तो उसके साथ भी ऐसा करते क्या? संपत अंदर शादी हो रही है। संध्या भैया क्या ये क्या कर रही हो तुम? मैं गिरी से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। माँ बाप मर गए थे क्या? एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? बता दे तो मान जाते क्या? हमारी शादी के लिए वो मानेंगे? हाँ नहीं मानेंगे, कैसे मान सकते हैं? 18 साल जिस लड़की को पाला पोसा उसकी शादी तुम जैसे आवारा लड़के से कैसे करा सकते हैं? कोई माने या न माने शादी होके रहेगी। हम करवाएंगे, हम करवाएंगे, हम करवाएंगे। मेरी बहन की शादी करवाने वाले तुम लोग कौन होते हो? स्टूडेंट्स हो तो अच्छे से पढ़कर माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। इस तरह से ऐसे आवारों की मदद करके शादी करवाने वाले को स्टूडेंट्स नहीं कहते, ब्रोकर कहते हैं। एक भाई होकर तुम बहन की शादी रुकवा रहे हो? तुम कौन हो? टीवी 10 की रिपोर्टर। तुम टीवी वालों को ऐसी शादियां कवर करके दिन भर टेलीकास्ट करने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? जनता को सपोर्ट करने वाले हमारे चैनल की बेइज्जती कर रहे हैं। ये जनता की समस्या नहीं है, हमारे फैमिली की समस्या है। घर की समस्या बाहर आ गई है इसलिए अब ये तुम्हारी नहीं जनता की समस्या है। ठीक है,
मेरी बहन की शादी इस गधे से होगी तो सारी जनता खुश हो जाएगी, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके माँ बाप दुख से मर जाएंगे, तब तुम्हारी जनता खुश होगी? मतलब आप ये शादी रोकेंगे? नहीं, पर्सनल मैटर को पब्लिक में उछालकर फायदा उठाने वाले तुम जैसों को जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। भैया रुक जाओ, संध्या को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ो तो मेरे दोस्त को मारेगा। ए, हट, ख्याल हट। ए, भैया जल्दी कैमरा ऑन करो। मासूम लोगों के प्यार से खेलने वाले एक मवाली भाई की करतूत देखिए, सिर्फ टीवी 10 पर। कैमरा इधर घुमाओ। आप देख सकते हैं शादी के मंडप में हंगामा हो रहा है, दोनों पार्टी वाले जोरदार मारामारी कर रहे हैं। कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ ना। हाँ तो सामने हो रहे दंगे फसाद को देखकर दुल्हन कैसा रिएक्ट कर रही है, जनता को उसके दिल का हाल बताइए। लड़की बहुत ज्यादा ही डरी हुई है, उसे बहुत पसीना आ रहा है, वो पसीना अपने पल्लू से पोंछ रही है, आप देख सकते हैं लाइव टीवी 10 पर। जरा एक बात पर रोशनी डालिए, दुल्हन बार बार अपने चेहरे को पल्लू से क्यों पोंछ रही है, इसका कारण जनता को बताइए। शायद लड़की का मेकअप पसीने से खराब ना हो जाए, इसीलिए पल्लू से सावधानी से पसीना पोंछ रही है। या फिर इस मारामारी में भाई जीतेगा या लवर जीतेगा, ये टेंशन भी हो सकती है। इस घटना पर आप अपनी राय देने के लिए दुल्हन टेंशन में है तो टीवी 10 स्पेस TNE मेकअप के कारण पहुँच रही है तो टीवी 10 स्पेस MNE हमारे 420 पर SMS कर दीजिए। सुरेखा, वहाँ हो रहे झगड़े में कोई लाश वाश गिरने की संभावना है क्या? अगर है तो कितनी लाशें गिर सकती हैं? उसके कोई चांसेस नहीं है, पुलिस वाले अभी तक मौके पर नहीं पहुँचे हैं। बाकी की खबरें नेक्स्ट बुलेटिन में, देखते रहिए काम छोड़ के टीवी 10। कैमरामैन छोटू के नायडू, मेरा नाम गोपाल रेड्डी है, सॉरी कैमरामैन एस गोपाल रेड्डी के साथ सुरेखा वानी, विशाखापट्टनम। सर यही लोग हैं, यही लोग हैं। रुको रुको, तुम्हें बोल रहा हूँ, रुको, पागलपन मत करो, रुको। 30 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ मैं, झक नहीं मार रहा हूं यहाँ पे, चलो मेरे साथ। आप इससे अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर आपको इसमें इतना प्यार आ रहा है तो आप अपने बेटी की शादी इससे करवा दीजिए। मुंह में जो आएगा वही बकेगा तो हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। सर ये बेवड़ा है, नशेड़ी है, अपनी बेटी की शादी इससे मैं कैसे कराऊं? संध्या भोली लड़की है, उसे झूठे वादे करके भगा कर शादी कर रहा है। बेटी ये लोग सच बोल रहे हैं? झूठ है, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं अपना भला बुरा समझती हूँ। मेरी शादी जबरदस्ती नहीं हो रही है, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। बेटी संध्या, बचपन में तुम नन्हे कदम उठाती थी तो हम बहुत खुश होते थे, लेकिन अगर आज तुमने गलत कदम उठाया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। बेटी हम लोग जो कह रहे हैं उसे समझो, बेटी हमारी बात मान लो। मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी है, मुझे सब मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम, तुझे तो ये पुलिस स्टेशन है, आप धोखा करने वाले लोगों को बचा रहे हैं। टीनेज में बच्चे गलत कर रहे हैं तो उनको समझाने के बजाय आप उनको इनकरेज कर रहे हो। ये दोनों बालिग हैं, इनकी शादी रोकने का अधिकार तुझे क्या, मुझे भी नहीं है। क्या यही कानून है? 9 महीने कोख में रखकर जिस माँ ने इस लड़की को पाला पोसा उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, और बीच में आने वाले इस आवारा को तुम लोगों ने सारे अधिकार दे दिए। नामकरण के लिए माँ बाप चाहिए, स्कूल में एडमिशन के लिए माँ बाप की परमिशन चाहिए, अस्पताल में जाएंगे तो पेरेंट्स की परमिशन पूछेंगे, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने के लिए माँ बाप की परमिशन नहीं चाहिए। अच्छा है सर, आपका कानून बहुत अच्छा है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अपने रूल्स फॉलो करने दो। अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो शादी कीजिए, सिक्योरिटी मैं दूंगा। हमारी शादी यहीं पे करवाइए। तो एक दूसरे को हार पहनाओ। बेटी रुक जा, हमारी बात मान ले, ये तुझे जरूर धोखा देगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नाटक की कड़ी में पुलिस स्टेशन में आई हुई ये जोड़ी आखिरकार एक हुई, प्रेमियों की जीत हुई, घर वाले हार गए, पुलिस वाले बने घर वाले, पुलिस स्टेशन बना शादी का मंडप। ओवर टू स्टूडियो। इस लाइव शादी को देखने के बाद दुल्हन के माँ बाप का क्या रिएक्शन है जनता को बताइए। अगर पूछा तो शायद तुम्हें भी चप्पल पड़ सकती है। उन्हें छोड़िए, इस शादी को संपन्न कराने वाले इन इंस्पेक्टर साहब की क्या राय है? प्यार करने वाले जीत गए, दो प्रेमी एक दूसरे के हो गए, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाऊंगा। वेरी गुड, थैंक यू। अब आप बताइए, चाहने वाले को पति के रूप में पाकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ बाप को दुख देकर आपको कैसा लग रहा है? इनसे मुझे कोई मतलब नहीं।
संध्या के घर वालों से आपको खतरा है क्या? यही बात सोच रहे हैं आप? हाँ, इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है, इसीलिए मैं टीवी 10 वालों से, पुलिस वालों से हमें सुरक्षा देने की मांग करती हूँ। आप क्या बोलते हैं सर? आप दोनों मिलकर साथ में कंप्लेंट करेंगे हम तो? दोनों क्यों? सॉरी, आप दोनों मिलकर कंप्लेंट करेंगे तो मैं जरूर सुरक्षा दूंगा। अभी कंप्लेंट करता हूं। तो फिर आइए। हाँ। सुरेखा, ये नए वरोधु ने हनीमून के लिए क्या प्लान किया है? वो बात अभी मालूम पड़ेगी, हो सकता है हमें लाइव टेलीकास्ट करने का भी मौका मिले। वेरी गुड वेरी गुड, आप उसी काम पर लगी रहिए और आप लोग भी देखते रहिए आपका प्रिय हमारा टीवी 10। सुन लीजिए, अगर इसके बाद इन दोनों को कुछ हुआ तो पूरे परिवार को अंदर कर दूंगा। आप दोनों खुशी खुशी जाइए। थैंक यू सर। संध्या, रुक जा बेटी, रुक जा। सुनिए सुनिए, वो जा रही है ना, रुकिए उसे, रोकिए ना। संध्या संध्या, रुक जा बेटी, संध्या संध्या, रुक जा बेटी, मत जा, मत जा बेटी। एम्बुलेंस को फोन कर। सॉरी, ये सीरियस अटैक था, हम कुछ नहीं कर पाए। पिताजी, माँ, तुम्हारी बहन जब इसके पेट में टेढ़ी हो गई थी तो ऑपरेशन से ठीक होने में 2 साल लग गए थे। गिरी, आज से तेरे लिए गेस्ट हाउस हनीमून स्पॉट है, हैप्पीली यहाँ पे रहे, हैप्पीली एंजॉय करे, इसके लिए हमको यहाँ से जाना पड़ेगा ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। Come on friends, let's go, bye Giri, bye. Thank you, thank you, thank you, thank you. अरे ये यहाँ क्या करने आया है? रुक, कहाँ जा रहा है? मुझे संध्या से मिलना। पुलिस स्टेशन जाके कर, चल निकल, बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत सीरियस मैटर है। संध्या, रुक, कहाँ जा रहा है? संध्या, संध्या, चुपचाप चला जाए नहीं तो जान से मार दूंगा। संध्या, एक मिनट बात करने दीजिए। संध्या, तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है। यहाँ हम हनीमून की तैयारी कर रहे हैं और तू यहाँ ड्रामा कर रहा है? ड्रामा नहीं है, सच कह रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं आऊंगी। मैं अब अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम्हारी माँ मर गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। चलो, मुक्ति तो मिली। क्या रे, अभी तो कह रहा था बहुत सीरियस है, इतनी जल्दी मर गई? संध्या सह नहीं पाएगी, इसलिए ऐसा बोला था। मेरी माँ ही नहीं, मेरा बाप, मेरा भाई, सब मेरी नजर में मर गए। आप तो मेरे पति के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। गेट लॉस्ट। कहाँ है वो? वो नहीं आई। बताया नहीं, माँ नहीं रही? बताया था, जन्म देकर पाला पोसा, उसी माँ की आरती पर नहीं आई। उसे तो संपा, कहाँ जा रहा है? संध्या के पास। कौन है वो? मेरा एक ही बेटा है, तुम जिस संध्या की बात कर रहे हो वो मेरी पत्नी की हत्यारिन है। आज से उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता।
गिरिजा, तुमसे ही बोल रहा हूं। हां क्यों नहीं बोल रही हो? पानी तुम लाए, वो कहां मर गई? हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी बात तो सच में ही मर गई ना। पिताजी, खाना खाने चलिए। नहीं रे, भूख भी मर गई, कल से कुछ नहीं खाया। चलिए पिताजी, चलिए। खाना होटल से मंगाया क्या? मैंने ही बनाया। उस पापे ने तुम्हें कुक बना दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। बताओ, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसा किया? प्यार से पाला है ना। बिना कपड़ों के तो संध्या मल्लिका लग रही है। फिगर भी कमाल का है। बड़ा तकदीर वाला है गिरी। क्या हुआ भाई, मेरी तकदीर को क्यों कोस रहे हो? कितनी खूबसूरत बीबी मिली है तुझे। किसने रिकॉर्ड किया ये? मैंने। तुझे फिल्मों में जाना चाहिए यार, क्या डायरेक्शन करता है। फिल्मों की बात मुझसे मत कर। क्या फैसला किया बता? फैसला क्या करना है, पहले ही तय हुआ था। जो पहले मंगलसूत्र बांधेगा फर्स्ट नाइट वही मनाएगा, उसके बाद ही आएगा तुम्हारा नंबर। गो एंड एंजॉय। क्या बात कर रहे हैं आप? हम जैसा कहते हैं वैसा करोगी तो ये कैसेट हम तुम्हें वापस दे देंगे। नहीं, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा नाटक मुझे दिखाया ना, MMS बनाकर सेल में मेल से नेट में भेजा ना, तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगी। और उसके बाद कॉलेज में, इंटरनेट कैफे में, हर जगह तुम्हारा ही जलवा। नहीं नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, गले लग जाओ जान। अपने दोस्त की पत्नी से आप ऐसी बात करेंगे क्या? फ्रेंड की पत्नी हुई तो क्या हुआ, हमारे बीच सब चलता है। वैसे भी इतना खूबसूरत फिगर एक ही को नहीं मिलना चाहिए ना। इसीलिए तुम्हारी खूबसूरती के हम लोग शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। सीधी तरह से मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा रेप करके कैसेट रिलीज कर देंगे। उसके बाद तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। क्या हुआ संध्या? इन लोगों ने मुझसे भी ज्यादा अच्छा था ना। तुम्हें इतना शौक क्यों लग रहा है? हम तीनों फ्रेंड्स हर चीज शेयर करते हैं, वो चाहे बियर हो या कोई डियर हो। अब तुम नहा धोकर अपने घर चली जाओ और उनसे कहो मुझे वो पति नहीं चाहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आप लोगों को छोड़कर बिल्कुल नहीं रह सकती। माँ बाप है ना, तुम्हें तो बिल्कुल आसानी से माफ कर देंगे। अपने लिए कोई और लड़का देख लो और उसके साथ लाइफ एंजॉय करो। अगर अपने भाई को कुछ भी बताया ना, हमारे साथ जो ऊपर रोमांस किया ना, वो भी शूट कर लिया। ये सब दिखाकर वो तुमसे लीगली डाइवोर्स ले लेगा, समझी? बाद में तुम्हें कोई फालतू आदमी भी नहीं मिलेगा। So, मुझे डरा के धमका के कुछ नहीं कर सकती हो?
समझ गई ना? Get out. ए वीरू, एक सोडा देना। क्या मास्टर जी, बेटी की शादी कर दी, हमें बताया भी नहीं। उसने हमें भी नहीं बताया। ओ, ऐसा है क्या? मैंने तो उसे सती सावित्री समझा था, वो तो पब्लिक भूत है। इसकी तो लव मैरिज हुई थी ना। अरे क्या चल रहा है? नहीं नहीं, नहीं, नहीं इधर दे, क्या हुआ मास्टर जी, क्या हुआ? हे भगवान, ये तो आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी ये काम कर रही है। हाय ससुर जी, कैसे हो? तुम्हारे लड़की की पढ़ाई उस दिन डिस्टर्ब हो रही थी ना, अब तो उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है ना, पता चला? अब तो तुम्हारी प्यारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या करोगे तुम? ससुर जी, आपकी बेटी सुपर है, एटीएम मशीन बन गई है, पैसा ही पैसा छपेगी। सही बोल रहा है। गलती की और ये इसी गलती का फल है। शादी का नाटक करके उसने मुझे धोखा दिया, बीच बाजार में मेरी इज्जत को नीलाम किया, उन सब ने मिलकर मेरा इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा एमएमएस बनाकर सारे शहर में मुझे बदनाम कर दिया। आप सबके प्यार को छोड़कर उस प्यार की माया में फंस गई थी मैं, मेरी जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए था। एक हफ्ते पहले दोस्तों और पुलिस वालों के सामने बड़ों के खिलाफ जाकर शादी की थी संध्या ने, जिसकी आज मौत हो गई। उसकी मौत के पीछे उसके घर वालों का हाथ है, ऐसा पुलिस मान रही है। जो भी तेरे मुंह में आ रहा है वो बकी चली जा रही है। मेरी बहन हमारी वजह से नहीं मरी, प्यार किया उसकी वजह से और तेरी वजह से, तेरे वजह से। इसमें हमारा क्या दोष है? जिंदगी के बारे में नहीं समझने वालों, प्यार और आदर्श के बीच में फर्क नहीं समझने वालों, सच्चे प्यार करने वाले प्रेमियों की जीत हुई, घर वाले हार गए और इसी को हेडलाइन बनाकर चैनल में हाईलाइट कर दिया। देश में भूखमरी, दंगे, फसाद ऐसी कई सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी आप इसी टॉपिक को बढ़ा चढ़ा कर इसका प्रचार कर रहे हैं और इसलिए देश के सभी नौजवान माँ बाप से झगड़ा कर प्यार के लिए रास्ते बना रहे हैं। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि शादी रोक दीजिए, लेकिन आप और आपका वो कानून, ये सारी चीजें, वो रूल्स फॉलो नहीं करते। उस कमीने के पास मेरी बहन को भेजना, उसके साथ मेरी बहन की शादी करवा देना, इस चीज को आप कानून मानेंगे? अगर आप इसे सच्चे प्यार की जीत कहते हैं तो आप लोग कीजिए, अपनी बहन और बेटियों को उनसे मिलाइए और उनका भी हश्र आखिर में मेरी बहन की तरह होगा। उनको माँ बाप के प्यार के बारे में बताइए, उन्हें बताइए कि माँ बाप उनके बिना कितने दुखी होंगे। ये शादी करने के लिए हम क्यों मना कर रहे थे, ये बात भी उन्हें बताइए। मेरी बहन और मेरे माँ जैसे लोगों को बचाइए, चले जाइए यहाँ से। संपत, पिताजी को यह बात मत बताना। नहीं बताऊंगा, माँ की मौत से उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, अगर ये बात बताई तो वो सह नहीं पाएंगे।
पिताजी क्या किया आपने? प्यार पर यकीन करने वाली मेरी बहन, मेरी बहन पर प्यार करने वाले मेरे माँ बाप मर गए, और इस सब का कारण तुम्हारा भाई और उसके दोस्त। उन्हें मारने के लिए मैं यहाँ आया था, अब सिर्फ गिरी बचा है, उसे भी मार डालूंगा। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं हो जाएगा खलास। सॉरी, भैया को तुम ही ने मारा है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी इन्हें। इसने इन्फॉर्मेशन दिया, तुमने कन्फर्मेशन किया, तीसरे को मारने का अच्छा प्लान बना रहे हो ना तुम? मैं चांस नहीं दूंगा। आप नहीं देंगे तब भी, मैं तो चांस लूंगा। कैसे? जरा अपने पीछे देखिए, क्या है वहाँ? गर्दन पर चक्कू। ए, ये क्या कर रहा है तू? दाढ़ी बना रहा हूँ, दिख नहीं रहा है? अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो इसे मार डालूंगा। नहीं, इस लड़की को कुछ मत करना। ठीक है, लेकिन अपना रिवॉल्वर फेंक दो। ओके, गुड। अब इन टू इन वन को अपने हाथों से पकड़ो। हाँ, लेकिन आज तक मैंने अपनी बीवी के सिवा किसी और लड़की का हाथ ही नहीं पकड़ा। मैंने भी अब तक किसी लड़की का मर्डर नहीं किया, इसे मार दूं क्या? नहीं 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 नहीं, पकड़ता हूँ, पकड़ता हूँ, पकड़ता हूँ। अब जाकर उस पत्थर पे बैठ जाओ। ओके 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 ओके। मौसम अच्छा है, जगह भी अच्छी है, और आप अच्छा गाते भी है ना? हाँ हाँ। इनके साथ अंताक्षरी खेल के बाद में इनको घर पे ड्रॉप कर देना। ओके ओके ओके, श्योर। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। सा सर, सा आया ना? सा से आज न छोड़ेंगे तुझे, दे दना दन। आप मुझे दना दन देंगे? तुम्हारी बात नहीं कर रहा मुझे? अरे मैं तुम्हारी भी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ए, उतरो। कॉन्ग्रेट्स। क्यों बे? आप दोनों की सेटिंग हो गई ना? तुझे भी इसी की आदत लगी है, समझ में नहीं आता क्या? जय इसे घर पे छोड़ गया, मेरे बारे में पता चल गया ना, अब से मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। क्या है, आंखों से ही उसकी जान ले लोगी? अभी उसने कहा ना उसके बारे में नहीं सोचने का। उसके बारे में नहीं सोचेंगी ये मैंने तो नहीं कहा। मतलब अभी भी उसे प्यार करती हो? सारा सच जानकर मेरा प्यार और बढ़ गया है। भाई भाई, थोड़ी बिरयानी खा लो। नहीं चाहिए। ये पकड़ो, कम से कम एक लेग पीस ले लो। बोला ना नहीं। क्या रे, क्या हुआ? जिस दिन से ये संपत से मिले है ना, उस दिन से ये कुछ खा पी नहीं रहे भाई। क्यों गिरी, क्या हुआ? यमराज को बहुत नजदीक से देखा है ना, वो आके कहीं मार ना दे इसलिए डर रहे हैं। ये बिल्कुल सेफ जगह है, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। मैंने अपने खास आदमी को भेजा है, एक घंटे में उसकी लाश लेकर आएगा। देखा, इतनी जल्दी आ गया। उसने इसे ही मार दिया बॉस। तो फिर वो कहाँ है? अभी तक तो ये जिंदा है, अगर ज्यादा लेट करोगे तो मर जाएगा, इसे अस्पताल लेके जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या देख रहा है बे? मेरी लाश आएगी ऐसा सोचा था, लेकिन तेरे किए कराए पर पानी फिर गया। लाश तो जरूर गिरेगी इसके। Hey, छोड़ से, hey, छोड़। Hey! Hey, छोड़ दे! Oh!
भैया जल्दी चलो। सर सर एसआई साहब यहाँ एसआई साहब मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले। अच्छा लगे आजा नहीं बच के तू निकल ले। ना मैं अमिताभ। ये गाना किसने लिखा? संपत ने सर। संपत भी गाना लिखता है क्या? थोड़ा भी लेट हुई तो भाई लमलेट हो जाएगा सर, हम सब अनाथ हो जाएंगे ऐसा ही साहब। ये वो आ रहा है। हाँ सर, काम खत्म होने के बाद आते हो? पुलिस वाले हैं ना, लेट ही आते हैं। वो लोग कहाँ हैं? पुलिस ना, ये रही। ये लोग नहीं, तुम जिसका पीछा कर रहे थे, पांडू और गिरी। निकल लिए, मतलब भाग गए। अगर वो लोग भाग गए होते तो तू इतने आराम से कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। अच्छा सच बताओ, वो दोनों मर गए ना? आपने तो सही गेस किया। मैं ऐसा ही हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? पांडू और गिरी को मारा इसलिए। मर गया ऐसा कहा? मैंने मारा ऐसा नहीं कहा। इन लोगों को मारने के बाद भी सबूत नहीं छोड़ा? तूने सारे सबूत मिटा दिए होंगे। हाँ, मेघना को किडनैप किया इसलिए अरेस्ट करूंगा। मैंने उसे किडनैप किया है, ऐसे किसी ने कंप्लेंट की है? नहीं की, पर करेंगे। चलो चलिए ना, वैसे भी चल चल कर पैर दुख रहे हैं, जल्दी चलिए ना। मैं ही सबको समझाता हूँ, लेकिन ये फिटिंग मास्टर मुझे समझ में नहीं आया। आइए आइए। ठीक है ठीक है सर, इतने दिनों से जिस हत्यारे को हम लोग ढूंढ रहे थे वो यही है, आप कंप्लेंट कीजिए। किस लिए? इसी ने आपकी लड़की का किडनैप किया है। सच में? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अपनी आंखों से उधर देखिए। ओह, तो इसने तुम्हें छोड़ दिया क्या? किसने मुझे छोड़ दिया? ये तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया था ना? हाँ सर, मुझे कॉफी पिलाने ले गया था। हाँ, कहाँ ले गया था? कैफे कॉफी डे, वहाँ इसने मुझे कैपुचिनो पिलाई। गर्दन पर चाकू लगा करके कॉफी डे पर ले गया था क्या?
और वहां तुम्हें कैफे चिनो पिलाया। गुड। लड़की की बात तो छोड़ दीजिए, लड़की के बारे में तो कंप्लेन दीजिए। आपके बेटे राजीव को मारा है ना इसने? आपके पास सबूत है? जज जैसे क्यों पूछ रहे हैं सर, ये बात तो इसने ही बताई है। कल कोर्ट में मुकर गया तो? नेचुरल, पर आपकी बेटी विटनेस है ना। इसने मुझे कुछ नहीं बताया। थोड़ा सा पानी मिलेगा। जब आप लोगों को कुछ नहीं है तो मुझे क्या करना है, सही कहा ना? आप सही बोल रहे सर। मैंने बहुत सारे गुनहगारों को देखा, लेकिन तुम जैसे तकदीर वाले गुनहगार को नहीं देखा। तुमने जिन लोगों को मारा वो लोग गुनहगार थे, इसलिए माँ बाप को कोई दुख नहीं है। जिस काम को कानून को करना चाहिए वो तुमने किया। तुम्हारे किए हुए इस काम की दिल से तारीफ करता हूं मैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढता ही रहूंगा। बाय। आपके बेटे को मैंने आपसे दूर किया, इसलिए आप दुखी है ना? बेटे का दुख तो है, एक लौता था ना, लेकिन तुमने जो किया सही किया। उन सब की वजह से तुमने अपनों को खो दिया संपत। तुम्हारे दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं मेघना, मुझे भूल जाओ। तुम्हारे माँ बाप का सपना मैं नहीं हूँ। उस दिन अपनी बहन को कहा था, उसने नहीं माना। आज तुम्हें कह रहा हूं, अपने माँ बाप को दुख मत पहुंचाना, उन्हें प्यार देना। जवानी में हम किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनसे पूछो तो कहते हैं प्यार है, और ना कहो तो खुदकुशी कर लेते हैं। अगर उनके प्यार को बड़ों ने सम्मति नहीं दी तो घर बार छोड़ के भागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उम्र में, दुनियादारी में अपनों से भी बड़े माँ बाप होते हैं। बच्चों के बारे में वो हमेशा सही सोचते हैं। वो किसी चीज के लिए ना करेंगे तो वो अपने लिए अच्छा ही होता है, अपना बुरा कभी नहीं होगा। अगर हम उनकी बात मानते रहेंगे तो, तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते हैं? तुम्हारे भाई को मुझे मारने के लिए भेजा था। ये उनका मेरे लिए गुस्सा नहीं बल्कि तुम पर प्यार था। इतना प्यार करने वाले माँ बाप को तुम खुश रखना, ये तुम्हारा धर्म है। कोई नहीं चाहिए मुझे, ना मम्मी ना पापा। मान लो अगर इन्होंने मुझे माफ कर दिया तो कल मुझे कौन सी नजर से देखेंगे, दामाद की नजर से या अपने बेटे के हत्यारे की नजर से? जिंदगी भर मुझे सर झुकाने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हारी शादी मुझसे भी अच्छे लड़के से करवाएंगे, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो।